ओम आग्रेशाय नमः, ओम गणपतये नमः। गणपति वाइज एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर ए के चौबे आप सभी मित्रों का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों नमस्कार। मित्रों मैं उपस्थित हूँ देखिए आपसे फिर एक वार्ता करने के लिए। वार्ता इम्पोर्टेंट है, मैं उसका थंबनेल बताऊं या उसकी चर्चा करूं उससे पहले आपसे निवेदन करूं कि जो मेरी चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो कृपया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और जाते जाते देखिए कमेंट में आप जो लिखना चाहें लिखें और कुछ नहीं लिखना चाहते तो महागणेशाय नमः लिखें। महागणेशाय नमः लिखेंगे भगवान गणेश का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। तो मित्रों आप मेरा ये प्रोग्राम चंद्र राशि से, लग्न राशि से या नाम राशि से जैसे भी देखना चाहे देख सकते हैं। चंद्र राशि लग्न राशि नहीं पता हो तो नाम राशि से देखिए, वरना चंद्र राशि से देखिए या लग्न राशि से देखिए। और सटीक भविष्य जानना है आपको अपना तो आप अपने लग्न जन्म कुंडली जो जन्म लग्न कुंडली या चंद्र राशि दोनों को आप जन्म वाली को देखिए और फिर गोचर वाली को देखिए, सब आप तब जानिए कि आपका क्या अच्छा फल है। खाली आप गोचर से आप कुछ नहीं पा सकते कि गोचर की कुंडली तो करोड़ों लोगों की एक ही होती है ना। आपकी इंडिविजुअल कुंडली जो है आपके जन्म के समय जो ग्रह दशा थी उस पर डिपेंड करेगी, तो उसका जानना बहुत जरूरी है। तो मित्रों देखिए मेरी चर्चा का विषय क्या है, क्या मैं थंबनेल में लिखा है। देखिए शनि जो है धनिष्ठा नक्षत्र में, अब शनि जो है बकरी चल रहे हैं कुंभ राशि में और बकरी शनि रहेंगे 4 नवंबर तक, 5 नवंबर से शनि मार्गी हो रहे हैं। लेकिन इस दौरान शनि जो अब तक चल रहे थे शतवेशा नक्षत्र में, अब नक्षत्र परिवर्तन करके आएंगे मंगल के नक्षत्र में। मंगल का नक्षत्र धनिष्ठा, धनिष्ठा नक्षत्र को बहुत धन से संबंधित है यानी महाधनी योग। अब शनि जो है महाधनी योग बना रहे हैं क्योंकि धनिष्ठा नक्षत्र में मंगल के नक्षत्र में आए और कब से 15 अक्टूबर से 24 नवंबर तक, लेकिन 5 नवंबर को शनि मार्गी हो जाएंगे तो 15 अक्टूबर से 4 नवंबर तक समझ लीजिए बकरी, उसके बाद 5 नवंबर से मार्गी। तो अब शनि के ऊपर धनिष्ठा नक्षत्र आ जाने से मंगल जहां जहां शनि का असर पड़ रहा था जिस जिस जातक पर वहां मंगल का असर भी पड़ेगा क्योंकि मंगल के नक्षत्र में शनि आ गए। मंगल का नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र उसके 4 चरण होते हैं, तो 2 चरण उसके स्वामी मकर राशि है, 2 चरण कुंभ राशि, इसलिए शनि की राशियां दोनों ही धनिष्ठा में आधा समझ लीजिए मकर और कुंभ। और उसके बाद ये कभी देखिए मंगल की राशि है दोनों मेष और वृश्चिक, इनका इफेक्ट होगा क्योंकि अब मंगल के जब धनिष्ठा नक्षत्र में शनि आ गए तो मंगल की राशि दोनों मेष और वृश्चिक, और मंगल कहाँ बैठे हुए हैं उस टाइम जब वो धनिष्ठा नक्षत्र में आए। तो देखिए धनिष्ठा नक्षत्र में जो है शनि जो है 15 अक्टूबर से आएंगे और 4 नवंबर तक तो जो है ये बकरी रहेंगे, उसके बाद मार्गी हो जाएंगे। लेकिन शनि मंगल है कहाँ अभी, देखिए मंगल अभी जो है कन्या राशि में है, 3 अक्टूबर को मंगल जो आ जाएंगे तुला राशि में, तो 3 अक्टूबर को मंगल तुला राशि में आ जाएंगे और 3 अक्टूबर से मंगल 16 नवंबर तक तुला राशि में रहेंगे यानी 7वीं राशि तुला राशि। तो यहाँ पर मंगल आएंगे 3 अक्टूबर से 16 नवंबर तक, लेकिन हम बात कर रहे हैं 24 नवंबर तक की, तो 16 नवंबर से 24 नवंबर तक करीब 8-9 दिन कहाँ पर मंगल रहेंगे वृश्चिक राशि में, ये जो है आगे बढ़ जाएंगे अभी तो कुछ टाइम तो वृश्चिक राशि में मंगल रहेंगे 8-9 दिन और बाकी टाइम मंगल तुला राशि में रहेंगे। तो हर जातक का जब भविष्य पर देखेंगे हम यानी शनि का असर धनिष्ठा नक्षत्र में आने से मंगल का असर भी पड़ेगा, तो मंगल की राशियां कहाँ हैं वो मंगल कहाँ बैठे हैं किस टाइम में, कुछ पूरे टाइम में कुछ टाइम में यहाँ कुछ टाइम में यहाँ, वो सब देख करके हमको भविष्य बताना पड़ेगा। लेकिन धनिष्ठा नक्षत्र बाकी में धनवान माना जाता है यानी धन से संबंधित है अत्यधिक धनी, तो शनि इस समय अब बकरी भी और फिर मार्गी होकर के यानी बकरी शनि का मतलब यह है कि वो पिछली राशि पर उनको जो मकर राशि जैसे यहाँ शनि है तो ये बकरी ये राशि को भी ज्यादा बल देते हैं यानी मान लीजिए, और जब मार्गी हो गए तो इनका फिर असर यहाँ नहीं रहता है आगे बढ़ जाते हैं, तो
तो उसका अभी शनि का इफेक्ट यहाँ भी है और यहाँ भी है, ये बकरी वाली है। तो मित्रों मैं हर राशि की चर्चा करूंगा, मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक। तो अभी मेष राशि का मैंने बना रखा है, देखिए मेष राशि नंबर वन यानी ये मंगल की राशि, मंगल स्वामी है इसके, तो मंगल की राशि एक मेष और मंगल की राशि दूसरी वृश्चिक यहाँ पर है, आठ नंबर जो है मंगल की राशियाँ यहाँ पर हैं। तो अब शनि जो है मंगल का प्रभाव पड़ रहा है, क्यों धनिष्ठा नक्षत्र में आ गए शनि, आ जाएंगे कब से, 15 अक्टूबर से। तो ये बता रहा हूँ 15 अक्टूबर से 5 नवंबर तक, जिसमें 15 अक्टूबर से कुछ टाइम तक जब तक तुला राशि में है और उसके बाद वो वृश्चिक में आ जाएंगे 16 से लेकर के 24 तक। तो 16 से 24 तक ये वृश्चिक में आ जाएंगे, पर 16 नवंबर तक तो तुला राशि में मंगल रहेंगे। और मंगल देखिए तुला राशि का है सप्तम राशि, सप्तम राशि का मतलब दाम्पत्य जीवन, सप्तम राशि का मतलब पार्टनर्स का ये बिजनेस, पार्टनर्स का बिजनेस। तो मंगल जो है जब तुला राशि में रहेंगे कब से कब तक, देखिए बहुत लंबा टाइम यानी 3 अक्टूबर से लेकर के 16 नवंबर तक, तो इस दौरान मंगल यहाँ रहे और शनि मंगल की राशि में, शनि तो यही कुंभ राशि में ही है, तो कुंभ राशि में रहकर लाभ, लाभ का भाव है तो लाभ तो देंगे देंगे, यानी बहुत धनिष्ठा नक्षत्र में आकर बहुत धन देंगे, किसको, मेष राशि के जातकों को। तो अब आप देख लीजिए कि 15 अक्टूबर से लेकर के जब शुरू हुआ ये टाइम, तो जब तक यानी 16 नवंबर तक तो तुला राशि में रहकर के करीब एक महीना तो मंगल यहाँ रहेंगे, तो खूब मंगल की राशियों को शनि जो है जैसे यहाँ, यहाँ से देखिए 1, 2, 3 तीसरी दृष्टि पड़ रही है। तो लोग आप कहते हैं कि भाई शनि की दृष्टि अच्छी नहीं होती, शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ अच्छा बल देते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर शनि देखिए धन धनिष्ठा नक्षत्र में है, मंगल के नक्षत्र में है, हालांकि मंगल उनके दोस्त नहीं है, मंगल से अच्छा संबंध नहीं है, लेकिन अब ये जो है यहाँ तीसरी दृष्टि पड़ रही है। अब राहु भी देखिए यहाँ पर खत्म से हो गए, यहाँ यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बृहस्पति है और राहु भी है, लेकिन राहु जो है अब इफेक्टिव नहीं रहे क्योंकि उनके मृत अवस्था से मिली, एक तरह से 0 डिग्री पे आ गए। तो बृहस्पति यहाँ होने से बृहस्पति पर दृष्टि पड़ रही है, बृहस्पति देवगुरु है, देवगुरु का कैसे शनि बुरा कर सकते हैं, और फिर अपने जिस नक्षत्र में है उसकी राशि है, तो धन तो खूब अच्छी तरह से देंगे देंगे। और बराबर तुला राशि में रहेंगे मंगल तो यानी व्यापार में तरक्की, दाम्पत्य जीवन में अच्छा, केवल अपनी वाणी पर थोड़ा कंट्रोल रखिए कि मंगल जो यहाँ होते हैं मंगल दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा आप वाणी और क्रोध का नहीं कंट्रोल करते हैं तो नुकसान हो जाता है, क्योंकि मंगल ये मंगल यहाँ रखें कि मांगलिक गुण होता है ना, मंगल जब यहाँ होते हैं 1, 4, 7, 8, 10 भाव में 1, 4, 7, 8, 12 में तो मांगलिक दोष होता है, तो मांगलिक दोष को समझ करके, हालांकि शादी ब्याह के लिए तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वैसे भी अपनी वाणी में थोड़ा कंट्रोल रखिएगा, गुस्से पर कंट्रोल रखिएगा, तो आपको मंगल जब यहाँ होंगे उसके बाद 16 नवंबर से 24 नवंबर मंगल यहाँ आ जाएंगे। मंगल जब यहाँ आ जाएंगे वृश्चिक राशि में तो ये आठवां भाव है, आठवां भाव देखिए ये अचानक धन प्राप्ति का, अचानक धन का मतलब पैतृक संपत्ति का है, लॉटरी का है, शेयर मार्केट का है, तो धन तो मिलेगा मिलेगा यहाँ पर, तो रेगुलर धन एक महीना करीब रहेंगे तुला राशि में, तो परिवार में कुटुंब में अच्छा संबंध रहेगा और व्यापार में अच्छा रहेगा। तो शनि जो है फिर देखिए इनके मंगल के नक्षत्र में, मंगल यहाँ और यहाँ है, मंगल का नक्षत्र में बैठे हुए हैं और शनि जो है कुंभ राशि में है। अब जो है मकर राशि में नक्षत्र जरूर मकर राशि का रहेगा, दो चरण यहाँ पर, और शनि जब बकरी है तो इस राशि को भी सपोर्ट कर रहा है, तब तो ये इस राशि का लगा लीजिए, बाकी में तो कुंभ राशि में आ गए। तो कुंभ राशि के स्ट्रांग यानी मूल त्रिकोण राशि है शनि, बहुत अच्छे यहाँ बलवान है, बकरी शनि तो ज्यादा बलवान होते हैं, तो भाई बहुत ही बढ़िया अच्छा संबंध है, यानी आपका चाहे तो इस मेष लग्न को देखिए या चंद्र मेष राशि को देखिए, दोनों मान लीजिए मेष लग्न
या मेष राशि या चंद्रमा या बैठे हुए हैं, तो दोनों को देख लीजिए आप। मेष राशि के लिए देखिए ग्यारहवें भाव में लाभ भाव में शनि, और देखिए इनकम में बहुत ज्यादा वृद्धि होगी क्योंकि शनि इसके मालिक भी है। शनि यहाँ पर मालिक है लाभ भाव के, और शनि जो है क्योंकि स्वामी है मगर के भी, तो नौकरी में व्यापार में व्यापार के भाव में भी मंगल, नौकरी में व्यापार में व्यापार में निवेश करेंगे तो लाभ होगा, नौकरी में प्रमोशन मिलेगा तरक्की मिलेगी। और शनि की चूंकि ये यहाँ पर जब तक बकरी है तब तक यहाँ भी इनका बल बनता है तो बहुत ही धन की वृद्धि होगी। और मंगल जो है देखिए थोड़ा सा ये भाव जब मंगल यहाँ आ जाएंगे 16 नवंबर से 24 नवंबर तक तो अष्टम भाव में थोड़ा सा देखिए जब मंगल यहाँ 1 2 3 4 तो जब मंगल की दृष्टि यहाँ पड़ रही है दसम भाव तभी नौकरी के भाव पर सब पर व्यापार तो अच्छा मंगल का असर अच्छा पड़ रहा है। और यहाँ आ गए मंगल तो अष्टम में आ गए, अब मंगल की दृष्टि यहाँ नहीं पड़ रही, मंगल की दृष्टि जो है यहाँ 1 1 2 3 4 शनि पे पड़ेगी सीधी, तो शनि को मंगल ताकत दे रहे हैं। और शनि जो है मेष राशि के लिए धन तो देगा ही देगा, धन भाव में है तो, लेकिन थोड़ा सा काम बढ़ जाएगा वर्क लोड, मंगल के यहाँ आने से ये भाव उतना अच्छा नहीं है, थोड़ा सा भाग दौड़ थोड़ा सा, और देखिए वाहन चलाने में थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, मंगल जब यहाँ आ जाते हैं तो जब यहाँ शनि भी होते हैं मंगल भी होते हैं थोड़ा खतरा रहता है, थोड़ा सा एक्सीडेंट वगैरह मामूली कुछ चोट चपेट ना आ जाए, इसलिए शिको अपना अपने को संभाल के चलेंगे, गाड़ी में चलेंगे तो बेल्ट लगा के धीमे ठीक चलेंगे, व्हीकल स्कूटर वगैरह चलेंगे मोटरसाइकिल पर तो हेलमेट लगा के चलेंगे तो ठीक रहेंगे, अन्यथा क्या है यहाँ पर जब तक यानी आखिरी सप्ताह जब मंगल यहाँ आ जाएंगे 16 नवंबर से 24 नवंबर तक तो थोड़ा खतरा बढ़ जाएगा एक्सीडेंटल। लेकिन वैसे देखिए धनिष्ठा नक्षत्र के शनि पूरे टाइम जब तक 15 अक्टूबर से 24 नवंबर तक 16 नवंबर से 24 नवंबर मंगल यहाँ आएंगे तो यहाँ के गुड़ देंगे, इससे पहले तुला राशि में तो यहाँ के गुड़ देंगे, मंगल का असर पड़ेगा। अब क्यों मंगल का नक्षत्र है, शनि मंगल के नक्षत्र में है तो आप मेष राशि के लिए तो भाई ये टाइम जो है जब शनि बकरी अवस्था में भी है और बकरी से मार्गी होने वाले हैं, यानी शनि का ये टाइम 15 अक्टूबर से 24 नवंबर जब धनिष्ठा नक्षत्र का शनि है, मंगल का नक्षत्र है अति धनी, धनिष्ठा का मतलब यही धन धनवान, तो मेष राशि को तो बहुत भाई सुख बहुत भाई धन सब कुछ बढ़िया बढ़िया मिलेगा, काफी अच्छा लग रहा है मेष राशि के लिए। अब देखिए अब हम जो है थोड़ा मेष राशि के बाद अगली राशि भी जाएंगे तो मेष राशि का तो बहुत जबरदस्त है बहुत लाभ मिल रहा है। अगली राशि के लिए देखिए क्या करेंगे हम इसको यूं बढ़ाते जाएंगे पीछे, यानी ये जो है तुला राशि यानी सातवीं राशि जो है यहाँ आ गई, कहाँ आ गई यहाँ आ गई सातवीं राशि यानी तुला छठे भाव में आ गई, और वृश्चिक राशि जो है वृष राशि के लिए आठवां वृश्चिक राशि यहाँ आ गई, और देखिए मकर दसवां राशि यहाँ आ गई, और ग्यारहवां राशि यहाँ आ गई शनि यहाँ आ गई, मतलब और देखिए ये जो है ये राशि यहाँ हो गई वृष राशि नंबर 2 और मेष राशि यहाँ आ गई। तो वृषभ राशि का कंसिडर करूं अगर मैं तो वृषभ राशि आ गई नंबर भाव पहले भाव में लग रहे तो मेष राशि यहाँ आ गई यानी 12वें भाव में, शनि की कुंभ राशि यहाँ आ गई, मकर राशि यहाँ आ गई, ये कुंभ है ये मकर है। तो वृषभ राशि के लिए क्या हुआ भाई, वृषभ राशि के लिए शनि जो है कहाँ स्थित हो गए 10वें भाव में, कुंभ राशि 10वें भाव में शनि बैठेंगे, और यहाँ पर शनि क्या है देखिए केंद्र में शनि उच्च के राशि में बैठते हैं तो शस महापुरुष राजयोग बनता है, तो वृषभ राशि के लिए शनि ने बना दिया शस महापुरुष राजयोग बहुत जबरदस्त, वैसे राजयोग बन गया तो और लाभ होगा, तो वृषभ राशि के लिए वैसे लाभ हो गया कि शनि दशम भाव में यानी कार्य क्षेत्र में बैठ करके
राजयोग बना रहे हैं। अब देखिए मंगल जो है छठे भाव में रहेंगे तुला राशि में जब, और 16 नवंबर से 24 नवंबर तक यहाँ रहेंगे सातवें भाव में यानी वृश्चिक राशि में। और मंगल की अपनी राशि देखिए, एक तो 12वें भाव में और एक जो मंगल की राशि है सप्तम भाव में, तो ये मंगल की राशियां हैं। तो देखिए यहाँ से मंगल की ये राशि मेष राशि, और मंगल कहाँ है यहाँ बैठे हैं कब, शुरू के टाइम में यानी 3 अक्टूबर से 16 नवंबर तक तुला राशि में मंगल आ गए। तो मंगल का अपनी राशि से कनेक्शन हो रहा है यहाँ से तुला राशि में, लेकिन 6-12 में हो रहा है। 6-12 का मतलब छठे भाव में मंगल यहाँ बैठ करके आपके शत्रुओं की खबर लेंगे, शत्रुहंता योग है। और अच्छा देखिए 12th हाउस में है तो व्यापार बाहर से यानी उनकी राशि भी यहाँ पर मंगल की, मंगल स्वामी है इसके, तो विदेश व्यापार में विदेश नौकरी में बड़ा फायदा बड़ा लाभ। लेकिन विदेश से क्योंकि 12वें भाव में दृष्टि पड़ रही है यहाँ पर, और देखिए यहाँ पर बृहस्पति भी बैठे हुए मेष राशि में, तो खर्चा तो होगा भाई, खर्चा तो आप रोक नहीं सकते, विदेश से खर्चा होगा, विदेश जाओगे तो खर्चा होगा, विदेश में नौकरी है विदेश में व्यापार है तो खर्चा तो होगा, बृहस्पति यहाँ बैठ करके और मंगल की दृष्टि भी है खर्चा तो कराएंगे। लेकिन बृहस्पति छठे भाव को भी देख रहे हैं, मंगल यहाँ है तो बैंक से आपने कोई ऋण लिया वो चुकता हो जाएगा, अगर आपने कोई ऋण के लिए अप्लाई किया है तो मिल जाएगा, यानी आपको धन का भी लाभ होगा, आपको बीमारियों का यानी मंगल जो है यहाँ पर मंगल सुख यहाँ बैठे हुए हैं, मंगल यहाँ होंगे उसके बाद यहाँ आएंगे 1 महीने यहाँ फिर 8-9 दिन यहाँ पर, तो मंगल जो है 16 नवंबर से यहाँ जाएंगे। 16 नवंबर से पहले तो मंगल छठे भाव में रहेंगे और छठे से 12वें को देखेंगे। और मंगल की चूंकि धनिष्ठा नक्षत्र है और कुंभ राशि में शनि दो चरण यहाँ दो चरण इसमें, तो शनि की दोनों राशियां हैं और शनि बैठे बहुत जबरदस्त हैं सज महापुरुष राजयोग बना करके केंद्र में 10वें भाव में, तो नौकरी में तरक्की, नौकरी में अच्छा प्रमोशन वेतन वृद्धि, व्यापार में तरक्की, शनि जाए धीमे धीमे तरक्की देते पर तरक्की तो देंगे देंगे, अच्छा योग बनता है। और धनिष्ठा का नक्षत्र का मतलब ये महाधनी, तो शनि का यहाँ बैठ करके वृषभ राशि को तो महाधनी बनाएंगे बनाएंगे। और जब आखिरी 8-9 दिन में यहाँ मंगल आ जाएंगे तो मंगल की धनिष्ठा नक्षत्र तो है ही असर तो होगा ही होगा, लेकिन यहाँ से फिर दाम्पत्य जीवन का और देखिए बिजनेस पार्टनर का अच्छा योग है, तो पार्टनर बिजनेस का भी अच्छा लाभ मिलेगा बिजनेस में। तो शनि जो है कर्म क्षेत्र में बैठ कर नौकरी में, और देखिए यहाँ पर मंगल खुद बैठे हुए हैं तो नौकरी में प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता, बृहस्पति यहाँ पर देखिए यहाँ पर बृहस्पति बैठे हुए हैं तो बृहस्पति की दृष्टि भी यहाँ पर, और यहाँ पर मंगल बैठे होंगे फिर मंगल बाद में यहाँ आ जाएंगे, तो मंगल जो है यहाँ बैठे रहेंगे 1 महीने करीब करीब और फिर यहाँ 9-8 दिन यहाँ पर दोनों ये भाव ये छठा भाव भी जो है बीमारियों का चोट चपेट मतलब बीमारी रोग ऋण का मुक्ति का कोर्ट कचहरी का केस का है, तो सब में मंगल अच्छे क्योंकि धनिष्ठा नक्षत्र में शनि है तो शनि का असर भी पड़ रहा है। शनि जो है 1, 2, 3 शनि यहाँ पर मेष राशि को देख रहे हैं जो मंगल की राशि है, तो शनि की दृष्टि यहाँ पड़ रही है, तो शनि भी जो है 12वें भाव से विदेश से लाभ दिलाएंगे। बृहस्पति ऊपर दृष्टि पड़ रही है और मंगल की राशि है, मंगल की दृष्टि पड़ रही है, मंगल की दृष्टि शनि की दृष्टि और बृहस्पति को बैठे हुए वहाँ पर यहाँ पर ये वृषभ राशि है, ये वृषभ राशि है वृषभ राशि, तो वृष राशि या वृषभ राशि के लिए भाई मंगल की यहाँ बैठना और यहाँ बैठना 1 महीने करीब यहाँ यानी 16 नवंबर तक और 16 नवंबर से 24 यहाँ बैठना दोनों भाव है, और मंगल का नक्षत्र में शनि को रहना बहुत महाधनी हो गए यहाँ से महापुरुष राजयोग बना करके। और देखिए मंगल की राशि जब तक बकरी है मंगल तक इस पर भी सपोर्ट करना है यानी यहाँ बैठे हुए हैं, तो ये है भाग्य भाव, तो भाग्य भाव में यानी जबरदस्त भाग्य बढ़ेगा, तो भाग्य वर्धन हुआ भाई तो भाग्य वर्धन होगा तो भाग्य में तो फिर नौकरी में तरक्की व्यापार में तरक्की पैसा, भाग्य बढ़ने का मतलब यही है कि पैसा है ना, भाग्य बढ़ने का कहते हैं इसका तो भाग्य बड़ा अच्छा है, भाग्य अच्छा का मतलब क्या होता है, अच्छा व्यापार अच्छी नौकरी अच्छा पैसा
तो भाग्य बढ़ने से शनि के यहाँ ये जब बकरी है तब इस पर ज्यादा असर पड़ेगा, जब मार्गी हो जाएंगे यानी 5 नवंबर से मार्गी हो जाएंगे तब मकर राशि को सपोर्ट कम होगी शनि की, तब कुंभ राशि में ज्यादा सपोर्ट हो जाएगी। सस महापुरुष आजो बना करके और यहाँ से सुख भाव को देखेंगे, सुख भाव में शनि जो भी सुख के साधन है सब दिलाएंगे, सारे मुहैया कराएंगे, 2, 3, 4, 5। हालांकि ये सूर्य की राशि है, सूर्य इनके पिता हैं शनि के, पिता पुत्र का दुश्मनी है, पिता तो दुश्मनी नहीं मानता, सूर्य तो नहीं मानते, लेकिन शनि को थोड़ा है, पर शनि फिर भी कैसा ही पुत्र नाराज हो पिता से लेकिन थोड़ा आंख की शर्म तो कर रही है। तो अपने घर को ही शनि अपने पिता के घर को मतलब देखेंगे यहाँ पर, तो शुक्र साधनों की वृद्धि भी करेंगे। तो वृषभ राशि के लिए या वृष राशि के लिए ये जो टाइम जब 15 अक्टूबर से 24 नवंबर तक, 15 अक्टूबर से 4 नवंबर तक बकरी और 5 नवंबर से 24 नवंबर तक आगे जो है मार्गी, उसमें भी कुछ टाइम यहाँ होंगे वृश्चिक राशि में, बाकी टाइम तो तुला राशि में होंगे मंगल। तो ये हालांकि वृश्चिक राशि मंगल की अपनी राशि है, अपनी राशि में मंगल आगे तो उच्च के होकर वैसे, तो यहाँ पर शस महापुरुष राजयोग और मंगल भी उच्च के, तो इस टाइम भी 16 नवंबर से और बाकी 24 नवंबर तक भी बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, दाम्पत्य जीवन में भी और व्यापार में भी, व्यापार में भी तरक्की होगी, जो भी पैसा लगाएंगे व्यापार में अच्छा डेवलप होकर आएगा। तो देखिए ये टाइम जो है शनि का जो कि 15 अक्टूबर से 24 नवंबर तक हनिष्ठा नक्षत्र में जब होंगे मंगल के नक्षत्र में, तो मंगल की कृपा शनि की कृपा जातक को यानी वृषभ राशि के जातकों को मिलेगी और धनवान बनाएगी, कार्य क्षेत्र में तरक्की देगी, सब कुछ बढ़िया बढ़िया होगा। और अगली राशि के लिए मैं चलूँ मान लीजिए, तो देखिए अगली राशि के लिए एक राशि आगे बढ़ जाएगी, तो ये होगी 7th राशि और ये होगी 8th। देखिए यहाँ आ गई 10, एक एक क्योंकि एक एक बढ़ जाएगा जाएगा, और यह आ गया 11, देखिए यहाँ आ गया 1, तो ये हो गया मेष राशि और यहाँ बृहस्पति भी है और राहु भी है, पर राहु को मैं मान नहीं रहा, राहु को डिफंक्ट है। तो ये देखिए ये है 3 नंबर यानी मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए नंबर 3 राशि यहाँ पहले भाव में आ गई। और देखिए मेष राशि यहाँ बृहस्पति भी है राहु है, ये आ गई लाभ भाव में, शनि खुद जो है ये आ गई देखिए कुंभ राशि, और कुंभ राशि में शनि बैठे हुए हैं, और ये है जब तक बकरी रहे तो इस राशि को भी मकर को भी बल देंगे, और जब आगे 5 नवंबर के बाद से जब मार्ग हो जाएंगे तो फिर इस राशि पर ज्यादा असर नहीं होगा शनि का, पर हालांकि राशि तो शनि की है, राशि लॉर्ड यहाँ बैठे हैं और जब बकरी है तो इस पर भी बल दे रहे हैं। और देखिए 7, 8 यहाँ पर जो है तुला राशि है, तुला राशि में मंगल रहेंगे और बाद में वृश्चिक राशि में आ जाएंगे मंगल, तो ये भी। और यहाँ से देखिए तुला राशि से 7वें नंबर 7वीं दृष्टि में मंगल जो है यहाँ होंगे, जब मंगल यहाँ होंगे और मंगल यहाँ भी होंगे बाद में, तो मंगल यहाँ से देखिए यहाँ देखेंगे, और धनिष्ठा नक्षत्र में भाग्य भाव में अति 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 बली बकरी शनि भाग्य भाव में बैठ करके भाग्य को तो बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे, और धनिष्ठा नक्षत्र में है जब से 15 अक्टूबर से तो महाधनी हो गया, फिर तो धन मिथुन राशि के लिए बहुत जबरदस्त धन देंगे। यहाँ से देखिए शनि की जो है 1, 2, 3 दृष्टि यहाँ पड़ेगी, 4, 5, 6, 7 यहाँ पड़ेगी 5वें भाव में, और 8, 9, 10 यहाँ भी पड़ेगी 10वीं दृष्टि, तो यानी शनि की दृष्टि जो है यहाँ से 10वीं दृष्टि यहाँ भी पड़ेगी वृश्चिक राशि पर मंगल की राशि पर। तो आप देखिए शनि जो है यहाँ बैठ करके भाग्य भाव में बैठ करके लाभ भाव में तो बृहस्पति है और मंगल की राशि है मेष राशि, मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में है, तो लाभ तो देना ही देना है, लाभ का मतलब क्या होता है पैसे पैसा रुपये रुपये धन ही धन, तो भाग्य बढ़ता हुआ धन आएगा, लाभ भाव में दृष्टि पड़ने से धन आएगा,
और यहाँ से दृष्टि पड़ेगी शनि की जो है धनेश्वर नक्षत्र में है तो धनवान योग समझ लीजिए, यहाँ से छोटी मोटी यात्रा होगी उनसे लाभ मिलेगा। पराक्रम भाव है तो परिश्रम करेंगे तो जातक परिश्रम करने से भी जो जितनी ज्यादा परिश्रम करेंगे उतना ही ज्यादा लाभ देगा शनि, समाज में प्रतिष्ठा सम्मान मिलेगा। और तो मिथुन राशि वालों बुध की राशि है, बुध जो है शनि के मित्र हैं बहुत अच्छे, तो शनि जो है मिथुन राशि वालों को धनिष्ठा नक्षत्र में बैठ करके मंगल की देखिए जब तक यहाँ पर है 16 नवंबर तक, तब तक तो ये यहाँ से देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पर शनि की नवी राशि नहीं होती है, शनि की जो है 3री, 7वीं और 10वीं राशि, 7वीं राशि तो होती है, 7वीं राशि का तो हर एक ग्रह की होती है, तो 7वीं और 8वीं और 10वीं यहाँ ये यहाँ पर शनि की 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9 यहाँ और 7, 8, 9, 9वीं नहीं 10वीं राशि यहाँ होगी, तो 7वीं राशि यहाँ होगी और 3री राशि यहाँ होगी, 9वीं राशि नहीं होती इनकी शनि की, 9वीं तो 5, 7, 9 बृहस्पति की, राहु की और केतु की होती है। तो आप देखिए शनि की राशि यहाँ पड़ रही है 7वीं और 10वीं यहाँ पड़ रही है वृश्चिक राशि पर यानी मंगल की राशि, तो मंगल की राशि पर देखिए यहाँ भी राशि पड़ रही है, मंगल की राशि पर यहाँ भी राशि पड़ रही है, जब 16 नवंबर से मंगल यहाँ आ जाएंगे 16 नवंबर से 24 नवंबर तक, तो ये जो भाव है शनि की राशि पड़ने से मंगल के पड़ने से तो जातक का कोई शत्रु कुछ भी नहीं कर पाएगा, शत्रु हंता योग तो बनता ही बनता है, मंगल अधिके कोई बीमारी है पुरानी वो भी ठीक हो जाएगी, दवाएं जो काम नहीं कर रही दवाएं काम करने लगेंगी, तो छठे भाव में अच्छा धनिष्ठा नक्षत्र के शनि जब यहाँ पर मंगल आ जाएंगे उस समय देखिए शनि मार्गी हो चुके होंगे, तो फिर मकर राशि में शनि का ज्यादा असर नहीं होगा, तो फिर भी मालिक तो शनि है उसके यहाँ बैठे जरूर है, तो यहाँ बैठ करके जो वो यहाँ और यहाँ याद दृष्टि पड़ेगी उसकी बहुत जबरदस्त, और शनि जो है धनिष्ठा नक्षत्र के मंगल के अति बलि शनि धन तो देंगे ही देंगे मिथुन राशि को, कहाँ से भाग्य भाव से और लाभ भाव से। और देखिए तुला राशि में जब मंगल रहेंगे तब मंगल तुला राशि से जो है यानी पंचम भाव से मंगल जो है संतान को भी लाभ देंगे, शिक्षा के क्षेत्र में लाभ देंगे, तो मंगल की राशि में है मंगल के नक्षत्र में है शनि, तो मंगल जब तक तुला राशि में है यानी 15 अक्टूबर से लेकर के जब तक मंगल तो आए तुला राशि में 3 अक्टूबर को, 3 अक्टूबर से 16 नवंबर तक, लेकिन ये हम देख रहे हैं 15 अक्टूबर से, तो 15 अक्टूबर से 16 नवंबर तक करीब एक महीना मंगल जो है यहाँ रहेंगे, मंगल का नक्षत्र में शनि रहेंगे, तो मंगल यहाँ से ही पंचम भाव से 11वें भाव को देखेंगे, ये भी लाभ भाव है, तो मंगल की दृष्टि पड़ने से लाभ यानी लाभ का मतलब क्या होता है पैसा, तो यहाँ बृहस्पति भी है मंगल देख रहे हैं तुला राशि में है, शनि के इनका नक्षत्र में शनि बैठे हुए हैं, शनि की कृपा मिल रही है, मंगल की कृपा मिल रही है, बृहस्पति की कृपा मिल रही है, किसको मिथुन राशि के जातकों को, तो ये भी देखिए मिथुन राशि के लिए भी बहुत ही अच्छा समय रहेगा। मैं तो ये देख रहा हूँ कि बृहस्पति शनि मंगल इन सभी की वजह से कोई अभी तक तो सारे जो है जो भी राशियाँ आए सबको अभी तो लाभ दिख रहा है, मेरे को तो कोई बुरा तो अभी दिखा रहे, अब मैं और आगे चलता हूँ, देखिए अगली राशि मतलब अगली राशि आई यहाँ पर नंबर 4, तो यहाँ पर देखिए 4 नंबर राशि आई, तो ये 5 यहाँ हो गया, 6, 7 यहाँ हो गया, 8 यहाँ हो गया, तो तुला राशि यहाँ आ गई और वृश्चिक राशि यहाँ आ गई, 8, 9, 10, 10 यहाँ आ गई मकर, और देखिए 11 नंबर की राशि यानी कुंभ राशि जो यहाँ से ग्यारह शनि यहाँ कुंभ राशि
12 एक मेष राशि, बृहस्पति राहु इनफेक्टिव है, मंगल की राशि है। तो ये चौथी राशि आई कर्क। भाई कर्क राशि के लिए बताइए कैसा रहा। कर्क राशि के लिए जैसा मैंने बताया अभी, कर्क राशि के लिए शनि देखिए कहाँ है, एस भाव में बैठे हुए, शनि कुंभ राशि एस भाव में। और ये भाव जो है, वैसे कहते ही हैं कि भाव अच्छे नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि शनि जो है अपनी कुंभ राशि में है, तो 6-8-12 घर में अपने राशि में बैठे हुए हैं, 6-8-12 का स्वामी। अब ये स्वामी जो इस राशि के स्वामी हो गए ना, 6-8-12 में बैठा हो तो विपरीत राजयोग बनता है। तो मैं समझता हूँ शनि भी यहाँ पर बैठ करके कुंभ राशि, और शनि यहाँ आठ में बैठ करके जातक थोड़ा इस भाव में मेहनत तो करेगा ज्यादा। शनि की दृष्टि जो है, सप्तम दृष्टि जो है धन भाव में पड़ेगी, सूर्य के घर में, अपने पिता के घर में। धन भाव में पिता की राशि है, पिता बैठे नहीं है यहाँ पर इस समय, लेकिन शनि की दृष्टि है तो शनि यहाँ से और धनिष्ठा नक्षत्र में है, यानी महाधनी योग है, तो धन भाव पर दृष्टि पड़ रही है, तो धन तो शनि देंगे ही देंगे। और तीसरी दृष्टि पड़ रही है बृहस्पति देव पर यहाँ पर कार्य क्षेत्र में, तो कार्य क्षेत्र में धनिष्ठा नक्षत्र के महाधनी योग के शनि यहाँ पर बैठ करके यहाँ से यहाँ दृष्टि बृहस्पति होगी। बृहस्पति यहाँ से बृहस्पति और शनि का दोनों का असर कार्य क्षेत्र में तरक्की, नौकरी में तरक्की, व्यापार में तरक्की। और देखिए जब बकरी है तो मकर राशि में भी शनि का असर ज़्यादा पड़ रहा है, हालांकि शनि की राशि है ये, तो पहले पहले जब तुला में थे उसी समय ये बकरी भी होंगे, तो सप्तम में भी दृष्टि पड़ेगी, सप्तम में बैठे होंगे, यानी ये मान लीजिए कि बकरी है तो यहीं बैठे हुए शनि, तो यहाँ से मकर अपने लग्न को देखेंगे कर्क राशि को, और यहाँ से देखिए एक यहाँ से देखिए मंगल जो है, जब यहाँ होंगे मंगल, मंगल कुछ टाइम यहाँ होंगे और बाकी टाइम यहाँ होंगे, तो 1, 2, 3, 4 मंगल जब शनि बकरी होंगे और मकर राशि पर दृष्टि पड़ रही होगी, धनिष्ठा नक्षत्र में मंगल मकर राशि में दो चरण धनिष्ठा नक्षत्र के चूँकि यहाँ होंगे मकर में, दो चरण यहाँ होंगे, तो जब धनिष्ठा नक्षत्र का असर मकर राशि पर हो रहा होगा उस समय 1, 2, 3, 4 मंगल की दृष्टि यहाँ से पड़ेगी, मकर मतलब मंगल बल दे रहे हैं। और यहाँ पर जब शनि का असर एक तरह से मानी शनि यहाँ बैठे हुए हैं तो षष्ठ महापुरुष राजयोग भी बनता है, एक्चुअल शनि यहाँ बैठे नहीं है लेकिन बकरी है तो ये मान सकते हैं कि शनि का यही असर आ रहा है, मंगल की दृष्टि पड़ रही है। और जब मंगल देखिए यहाँ आ जाएंगे उस समय जो है 1, 2, 3, 4 तो कुंभ राशि में जब शनि मार्गी हो जाएंगे तो यहाँ असर नहीं पड़ेगा, शनि बैठे तो यही है बैठे, तो यहाँ से शनि पर दृष्टि पड़ेगी, तो अष्टम पर भी मंगल की दृष्टि पड़ेगी। और मंगल देखिए यहाँ यहाँ से जो है वृश्चिक राशि से, यहाँ से तुला राशि से बृहस्पति को देख रहे हैं, अपनी राशि को देख रहे हैं, तो मंगल जो है यहाँ अपनी राशि को देख रहे हैं, और यहाँ देखिए वृश्चिक राशि में जब मंगल आ गए तब शनि को देखेंगे चौथी दृष्टि से। इस तरह से शनि का मंगल का, मंगल का शनि का, बृहस्पति का, और यहाँ से धन भाव का कनेक्शन बैठ रहा है। तो कर्क राशि के लिए सारे योग, यानी धनिष्ठा नक्षत्र में मंगल, धनिष्ठा मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में शनि का आना, मार की शनि बाद में हो जाना, पहले बकरी का होना, ये मतलब इस भाव को भी अच्छा लाभ मिल रहा है, इस भाव को भी अच्छा लाभ मिल रहा है, इन सुख भावों को मंगल बैठे हुए यहाँ पर और मंगल का नक्षत्र में शनि बैठे हुए हैं, तो देखिए यहाँ सुख भाव में और यहाँ से बृहस्पति की जो है दृष्टि, चूँकि मेष राशि मंगल की राशि है तो मंगल पर जो है मंगल के नक्षत्र में शनि होने के कारण मंगल पर शनि का असर और शनि पर मंगल का असर, क्यों मंगल का नक्षत्र है, ये सब आपस में बंधे हुए हैं, तो इस भाव का सुख भाव का सुख देंगे, यानी सारी बंगला गाड़ी मकान जो भी भूमि भवन के क्रय विक्रय में लाभ, बंगला बड़ी गाड़ी, और यहाँ से सप्तम यहाँ से दशम भाव का नौकरी में और व्यापार में या जो भी काम करते हैं आप, और यहाँ पर भी जब मकर राशि में शनि का असर है तो पार्टनर्स का सहयोग अच्छा, व्यापार में अच्छा, दाम्पत्य जीवन भी अच्छा, क्योंकि मकर राशि भी तो
धनिष्ठा नक्षत्र के चरणों में शुरू में रहेगी ना, शुरू के दो चरणों में मकर राशि और दो चरणों में कुंभ राशि। तो इस तरह से हम देखते हैं भाई कर्क राशि के लिए नंबर चार राशि जो कि चंद्रमा की राशि है उसके लिए ये टाइम जो है, यानी शुरू का टाइम जब 15 अक्टूबर से और जब बकरी है तब तो जो है यहाँ पर भी असर आ रहा है, उसके बाद फिर यहीं रहेंगे, यहाँ असर नहीं आएगा और तब मंगल यहाँ होंगे और फिर यहाँ होंगे। तो एक दो तीन चार यहाँ से, और जब शनि की यहाँ ज्यादा होगी तब मंगल यहाँ होंगे, एक दो तीन चार मंगल, यानी मंगल की बराबर चौथी दृष्टि जो है शनि पर रहेगी और मंगल का नक्षत्र में है तो और अच्छी कृपा रहेगी। हालांकि मंगल और शनि आपस में दोस्त नहीं है, लेकिन मंगल ग्रहों के सेनापति हैं और सारे ग्रह तो एक ही हैं। हालांकि राहु जो है इनके सेनापति हैं दैत्यों के, दैत्यों के जैसे शनि या केतु बुध भी आते हैं उसी में, और बाकी जो है देव के सेनापति मंगल है यानी बृहस्पति जो है, और उधर शुक्र गुरु है इधर बृहस्पति गुरु है। तो बृहस्पति पर देखिए मंगल की दृष्टि से और बृहस्पति की दृष्टि मंगल पर, और मंगल एक दो तीन चार शनि के धनिष्ठा नक्षत्र में शनि बैठे हुए मंगल के में, तो मंगल की कृपा शनि के ऊपर बहुत जबरदस्त, धनिष्ठा नक्षत्र में बहुत धन धन धन, मतलब ये टाइम जो है जब शनि अब जो है 15 अक्टूबर से लेकर के 24 नवंबर तक, ये टाइम तो अभी सभी राशियों को शनि की विशेष कृपा, मंगल की विशेष कृपा, यानी धन मिल रहा है, धन मिलता रहेगा। ये महीना जो है पूरा महीना 15 अक्टूबर से लेकर के 24 नवंबर तक, पूरा अक्टूबर और बाकी थोड़ा सा टाइम नवंबर का, यानी नवंबर का मतलब समझ लिए 24 नवंबर तक कह रहे हैं, तो 16 नवंबर से 24 नवंबर तक यहाँ आ जाएंगे मंगल, यहाँ भी पंचम भाव का फल है। तो बहुत अच्छा रहा कर्क राशि के लिए भी, यानी अब देखिए अगली राशि में देखता हूँ कौन सी, सिंह राशि। तो जब सिंह राशि आएगी पांचवें भाव में, पांचवें सिंह राशि आ गई तो देखिए 6-7 में तुला राशि यहाँ आ गई और यानी मिश्रिंग राशि के लिए ये 8 नंबर तो वृश्चिक राशि हो गई है और 7 नंबर ये, तो यहाँ भी मंगल रहेंगे और यहाँ भी मंगल रहेंगे लास्ट में, यानी 16 नवंबर से 24 नवंबर तक, 16 से 24 तक मंगल यहाँ रहेंगे। और ये देखिए मकर राशि और कुंभ राशि, देखिए कुंभ राशि यहाँ आ गई 11 शनि है और 10 मकर, और मेष राशि और बृहस्पति और राहु जो है यहाँ आ गए मेष बृहस्पति। तो अब देखिए सिंह राशि के लिए जो योग बनता है कैसा योग बनता है कि शनि आ गए 7th भाव में, सिंह राशि के लिए शनि बैठे हैं कुंभ राशि में 7th भाव में, 7th भाव दाम्पत्य जीवन का भाव, संपत्ति 7th भाव जो है व्यापार का भाव, पार्टनर्स का भाव। तो यानी शुरू शुरू में देखिए शनि यहीं बैठे हुए हैं, बकरी है तो यहाँ भी दृष्टि जा रही है उनकी, लेकिन सिंह राशि के लिए यहाँ 7th में व्यापार अच्छा, धनिष्ठा नक्षत्र में जब आएंगे तब जो यानी बहुत तरक्की करेगा व्यापार, पैसा खूब आएगा। और देखिए मंगल जो है पहले जो है यहाँ होंगे शुरू के टाइम में, यानी जब अक्टूबर से लेकर के जब तुला राशि में होंगे, बाकी 16 नवंबर से पहले पहले तो यहाँ होंगे 16 नवंबर से 24 नवंबर तक, यानी जब शनि का बाद वाला पीरियड होगा धनिष्ठा नक्षत्र का तो यहाँ आ जाएंगे मंगल। तो शुरू के करीब एक महीना यानी 3 अक्टूबर को पर हम चर्चा कर रहे हैं 15 अक्टूबर से, तो 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक मान लीजिए यानी एक महीना तुला राशि यहाँ रहेगी, 3rd भाव में मंगल यहाँ रहेंगे। तो पराक्रमी मंगल, पराक्रम यानी परिश्रम कराएंगे, जातक से बहुत मेहनत कराएंगे, शरीर बड़ा एक्टिव रहेगा, हृष्ट पुष्ट स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और देखिए मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में कुंभ राशि में शनि यहाँ बैठे हुए हैं
षष्ठ महापुरुष राजयोग बना करके, और षष्ठ महापुरुष राजयोग बना करके शनि जो है पंचम यानी लग्न को देख रहे हैं, जहाँ सिंह राशि है उनके पिता की राशि है, पिता का घर है, तो अपने पिता के घर को देख रहे हैं शनि। पिता तो नहीं बैठे वहाँ पर घर है उनका, तो उस घर में अपने पिता का घर है तो क्या बेटा अपने घर में लाभ नहीं देगा? तो सिंह राशि को शनि की कृपा मिलेगी, अच्छा खासा लाभ मिलेगा। और धनिष्ठ नक्षत्र में है तो धनिष्ठ धन का बारिश तो होगी होगी, धन मिलेगा, व्यापार में तरक्की मिलेगी। और देखिए मेष राशि में यहाँ बृहस्पति है तो यहाँ से देखिए ये जो है 1 2 3 4 5 6 7 मंगल का बृहस्पति का समझौता संबंध बनेगा। मंगल यहाँ है, मंगल का धनिष्ठा नक्षत्र में शनि है तो शनि मंगल आपस में बंधे हुए एक तरह से, यहाँ से 1 2 3 4 मकर राशि पर जब मंगल यहाँ होंगे तो 1 2 3 4 यहाँ, जब यहाँ आ जाएंगे 16 नवंबर से तो फिर शनि को देखेंगे 1 2 3 4 यानी यहाँ से सुख भाव से और सप्तम भाव को मंगल की दृष्टि पड़ेगी शनि के ऊपर, जबकि शनि मंगल के नक्षत्र में है। तो मंगल यहाँ सुख देंगे, सुख साधन बढ़ाएंगे, मंगल की अपनी राशि अभिषेक और शनि को भी चौथी दृष्टि दिख रहे हैं तो सप्तम के यानी दाम्पत्य जीवन को अच्छा बनाएंगे, दाम्पत्य जीवन में मधुरता लाएंगे, व्यापार में तरक्की होगी, पार्टनर अच्छा मिलकर सहयोग करेंगे। तो सिंह राशि के लिए भी ये टाइम जो है 15 अक्टूबर से और देखिए 24 नवंबर तक, जब तक धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे शनिदेव, हालांकि शनि सप्तम में है और षष्ठ महापुरुष राजयोग बना हुआ है जो केंद्र में बैठे हुए हैं, केंद्र के भाव में, जहाँ केंद्र के भाव है जहाँ शनि बैठेंगे वहाँ सब जगह षष्ठ महापुरुष राजयोग बनेगा। तो सिंह राशि के लिए तो भाई बहुत जबरदस्त लाभ मिल रहा है क्योंकि सप्तम भाव में बैठे हुए कुंभ राशि शनि, और जब वृश्चिक राशि में आ जाएंगे मंगल तो शुक्र भाव में आ जाएंगे, यानी लास्ट 8-9 दिन मंगल यहाँ पर अपनी राशि में आ जाएंगे। और मंगल पर चूंकि मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में शनि है तो शनि की विशेष कृपा मंगल को और मंगल का आशीर्वाद शनि को, आशीर्वाद जो कहिए कि मंगल सेनापति है और मंगल के ग्रह मंगल के नक्षत्र में शनि आ गए हैं, तो भाई यहाँ से सुख भाव से सप्तम्बर सप्तम्बर षष्ठ महापुरुष राजयोग में सुख साधनों की वृद्धि, यहाँ पर दाम्पत्य जीवन की बहुत अच्छा, और जब यहाँ पर मकर राशि पर दृष्टि होगी बकरी शनि होंगे तब यहाँ से देखिए यहाँ दृष्टि पड़ेगी, यहाँ पर दृष्टि पड़ेगी तो विदेश भाव से दृष्टि पड़ेगी, विदेश भाव में देखिए वहाँ पर कर्क राशि होगी जहाँ चंद्रमा की राशि होगी, तो शनि का चंद्रमा का चंद्रमा जब वहाँ होंगे सुपाल हो तब तो आप कह सकते हैं शनि का बेस्ट दोष बनेगा, अदरवाइज तो मकर राशि की मतलब यहाँ पर कोई और ग्रह नहीं है चौथे में, तो मकर राशि यहाँ रह करके शनि की कृपा मिलेगी और धनिष्ठा नक्षत्र की कृपा मिलेगी, क्योंकि धनिष्ठा नक्षत्र के 2 चरण मकर राशि में और 2 चरण जो है कुंभ राशि में, तो धनिष्ठा नक्षत्र में और जब शनि का यहाँ बल मिल रहा होगा बकरी शनि का, तो इस भाव के सारे गुण यानी रोग ऋण से मुक्ति, बीमारियों से मुक्ति, शत्रुओं से मुक्ति सब कुछ मिलेगी जब बकरी शनि होंगे, जब इस पर बल पड़ रहा होगा उसमें, यानी 5 नवंबर से पहले पहले, 5 नवंबर के बाद जब 24 नवंबर तक जब तक धनिष्ठा नक्षत्र में शनि रहेंगे तब जो है यहाँ पर केवल यहाँ पर असर कम होगा, तब तो यहाँ पर षष्ठ महापुरुष राजयोग ज़्यादा सफलता पाएगा। तो सिंह राशि के लिए भाई शनि का सप्तम में बैठना धनिष्ठा नक्षत्र में, धनवान नक्षत्र है, महाधनी नक्षत्र है, और मंगल का देखिए मंगल का वृश्चिक राशि में मंगल का यहाँ बैठना, मंगल का यहाँ बैठना, यहाँ तो मंगल मेहनत कराएंगे बहुत ज़्यादा, और शनि की देखिए प्रिय राशि तुला राशि में शनि की मंगल, तो शनि को विशेष तुला राशि प्रिय है तो तुला राशि में मंगल और मंगल के नक्षत्र में शनि, तो बाउंड टू मंगल शनि जो है मंगल की मदद करेंगे, यानी इस भाव को भी अच्छा कारक भाव समझ ली तरह से और अच्छा फल देंगे जातक को, यहाँ पर परिश्रम जितना जातक परिश्रम बढ़ेगा उतना ही लाभ मिलेगा, उतना ही पैसा आएगा और उतना ही जो समाज में प्रतिष्ठा मिलेगी, नाम मिलेगा,
तो इस तरह से मैं देखता हूँ कि ये टाइम जो है 15 अक्टूबर से 24 नवंबर तक शनि से विशेष लाभ मिलेगा और मंगल से विशेष लाभ मिलेगा। देखिए मंगल सुबह जब यहाँ है तब भी मैं वो चर्चा नहीं कर रहा हूँ, उसमें मंगल यहाँ से पहले मंगल यहाँ से शनि सिंह राशि के लिए मंगल धन भाव में भी थे तुला राशि से पहले पहले यानी अक्टूबर में, तो अक्टूबर में मंगल यहाँ पर धन दे चुके हैं बहुत, और जब यहाँ आ जाएंगे मंगल फिर यहाँ आ जाएंगे तो यहाँ से भी अच्छा लाभ देंगे क्योंकि शनि का साथ हो जाएगा मंगल का। तो शनि का साथ का मतलब मंगल का धनिष्ठा नक्षत्र, और देखिए अगली राशि छठी कन्या राशि, कन्या राशि और यहाँ पर देखिए सात का मतलब तुला राशि, आठ यहाँ वृश्चिक राशि। दस नौ दस यहाँ मकर राशि, यहाँ ग्यारह कुंभ राशि, कुंभ राशि में शनि होंगे, और देखिए बारह और एक ये जो है बृहस्पति, यहाँ मेष राशि यानी मंगल की राशि है। तो भाई कन्या राशि के लिए ये रहा योग, कन्या राशि के लिए मंगल जो है देखिए यहाँ मंगल यहाँ आए और फिर मंगल बाद में यहाँ आ जाएंगे 16 नवंबर को, 16 नवंबर से पहले पहले तो मंगल धन भाव में कन्या राशि के लिए, तो धन भाव में मंगल धन तो धन ही देंगे और शनि की प्रिय राशि है, और यहाँ पर जब तक यानी 5 नवंबर तक 5 नवंबर से शनि मार्गी हो जाएंगे तो उस समय इस राशि पर क्या असर रहेगा, यहीं पर शनि ज्यादा रहेंगे, वैसे शनि का असर बकरी है तो यहाँ भी रहेगा, तो 1 2 3 4 मंगल की दृष्टि पड़ेगी शनि पर यहाँ पर मकर राशि पर, और धनिष्ठा नक्षत्र के चरण मकर राशि पर जब होंगे तुला राशि में मंगल होंगे, तो मंगल यहाँ से जो है संतान को बड़ा सुख, संतान को धन की प्राप्ति, जॉब से एजुकेशन में सफलता, कोई प्रेम प्रसंग है जातक का तो उसमें सफलता, और देखिए जब मार्गी से पूरा बकरी हो गए तो इस पर असर नहीं रहेगा, और उस समय फिर शनि भी तो मंगल भी यहाँ आ जाएंगे तो भी यहाँ से 1 2 3 4 दृष्टि पड़ेगी, तो मंगल की दृष्टि तो चौथी दृष्टि में शनि रहेंगे रहेंगे, मंगल का असर रहेगा शनि के ऊपर, और चूंकि मंगल के नक्षत्र में शनि है तो वैसे ही मंगल को कृपा देनी पड़ेगी शनि की, और शनि जो है देखिए यहाँ से 1 2 3 अष्टम में बृहस्पति है, 4 5 6 7 यहाँ से विदेश में 8 9 10 मंगल जो है दसवीं दृष्टि से जो है तीसरे भाव को देखेंगे जब लास्ट 16 नवंबर से 24 नवंबर तक यहाँ आ जाएंगे मंगल, उस समय पराक्रम भाव में मंगल मार्गी मंगल, जितना ज्यादा परिश्रम करेगा जातक उतना ही ज्यादा लाभ मिलेगा, यानी आखिरी टाइम आखिरी हफ्ता 16 से 24 नवंबर मंगल की दृष्टि यहाँ से यहाँ वृश्चिक राशि में पड़ेगी, जहाँ वृश्चिक राशि में मंगल बैठे हुए कुंभ शनि की दृष्टि पड़ेगी, कुंभ राशि से शनि की यहाँ दृष्टि पड़ेगी छठे भाव, तो छठे भाव में देखिए ये अपनी उच्च की राशि है, उच्च बैठे हुए शनि, यहाँ से शनि जो है दृष्टि यहाँ भी पड़ रही है सातवीं 8 9 10वीं दृष्टि यहाँ, तो विदेश से लाभ, विदेश व्यापार से लाभ, विदेश कुछ भी काम होगा, और देखिए शत्रु हंता बीमारी को भगाने वाले चोट चपेट थोड़ा सा बस यानी हड्डियों का दर्द वर्द पैरों का दर्द वर्द थोड़ा सा उस पर ध्यान रखिएगा, और मौसम की बीमारियां ना हो जाए, ठंड का असर ना हो जाए उसका ख्याल रखिएगा, अदरवाइज तो कुंभ राशि में उच्च के शनि है तो यहाँ शत्रु हंता और पुरानी सारी बीमारियों को दूर करेंगे, और देखिए यहाँ से विदेश में है तो विदेश से लाभ मिलेगा, प्लस पराक्रम भाव में मंगल बैठे हैं और शनि की दृष्टि है तो पराक्रम से जातक को लाभ मिलेगा, और यहाँ बृहस्पति पर दृष्टि है तो अष्टम से जो है
बृहस्पति बैठे हैं तो आश्रम से भी धन जो शॉर्ट टर्म है जैसे कि शेयर मार्केट से लॉटरी से पैतृक संपत्ति अचल संपत्ति गुप्त धन ये सब मिल सकता है। शनि की लस्सी भी है और शनि जो कि धनिष्ठा नक्षत्र में है धनवान धनिष्ठा का मतलब होता है अति धनी योग तो अति धनी नक्षत्र में शनि बैठे हुए हैं तो भाई धन तो देना ही है। अब ये टाइम जो है हर राशि को पर यह कि यहाँ संतान को लाभ मिलेगा या तृतीय भाव में छोटे भाई बहनों को सहायक सहयोग मिलेगा सपोर्ट मिलेगा यात्राएं करोगे तो उससे लाभ मिलेगा या धन भाव में जब मंगल रहेंगे शुरू के टाइम में तो धन मिलेगा तो ये अलग अलग है। हर राशि को लाभ तो मिल रहा है मैं समझता हूँ हर राशि को तरक्की हो रही है लाभ तो हर राशि को मिल रहा है भाई। अब देखिए छठे के बाद आती है सातवीं राशि। सातवीं राशि का मतलब तुला और ये है आठवीं राशि वृश्चिक। और नौ दस में आ गई मकर राशि। ग्यारह शनि बैठे हैं यहाँ पर कुंभ राशि में। बारह और एक मेष राशि जिसमें बृहस्पति है। राहु को मैं लिखता नहीं पर राहु का कुछ ज्यादा असर तो भाई देखिए तुला राशि वालों आग पे लिए आप तुला राशि यानी पहले भाव में आ गई तो ये जो है मेष राशि जो है सामने है सप्तम भाव में जहाँ बृहस्पति बैठे हुए हैं और मंगल जो है यहीं होंगे शुरू के टाइम में यानी मंगल यहाँ होंगे। फिर 16 नवंबर 3 अक्टूबर से 16 नवंबर मंगल तुला में रहेंगे फिर 16 नवंबर से यहाँ आ जाएंगे तो 16 नवंबर से 24 नवंबर तक यहीं रहेंगे 8 नवंबर यहाँ भी मंगल लास्ट के टाइम में। और मंगल का नक्षत्र धनिष्ठा दो चरण यहाँ रहेंगे दो चरण यहाँ रहेंगे यानी 24 नवंबर तक पूरा हो जाएगा 15 अक्टूबर से 24 नवंबर तक। तो पहले मकर में फिर कुंभ में और यहाँ शनि कुंभ में है बकरी शनि है तो यहाँ का बल पड़ रहा होगा यहाँ पर धनिष्ठा नक्षत्र मंगल मकर राशि में और शनि की दृष्टि है ये मान लो शनि ही बैठे हुए हैं तो यहाँ से दृष्टि पड़ेगी यहाँ पर सात छः हाँ सात राशि है सात आठ नौ दस तो सात छः पाँच चार चंद्रमा की राशि और ये पांच जब यहाँ होंगे देखिए बकरी शनि का असर यहाँ होगा उस समय देखिए दृष्टि पड़ेगी दशम भाव पे और जब यहाँ आ गए यानी बकरी खत्म हो गया उनका असर मार्ग हो गए यानी पांच नवंबर के बाद तो फिर यहाँ से यहाँ सूर्य के अपने पिता के घर में दृष्टि पड़ेगी लाभ भाव में तो यानी आखिरी जो महीना आखिरी जो हफ्ता है वहाँ पर शनि आकर के अपने पांचवें भाव से और ग्यारहवें भाव को देखेंगे तो लाभ ही लाभ देंगे पैसे ही पैसा आएगा। और शुरू के टाइम में जब वो शनि यानी ये तो देखिए बहुत कम टाइम है जब मकर राशि में धनिष्ठा नक्षत्र रहे और शनि बकरी रहे उस समय तो शनि का असर यहाँ होगा तो पूरा फोकस जो है यानी 15 अक्टूबर से लेकर के और 16 नवंबर तक यानी एक महीना पूरा शनि और धनिष्ठा नक्षत्र का इफेक्ट पूरा एक दो तीन चार बृहस्पति पे रहेगा सप्तम भाव पे सॉरी मंगल का ये तो शनि है तो एक दो तीन ये रात 10 11 12 जब शनि यहाँ होंगे कुंभ राशि में जब मार्गी हो जाएंगे तब तो बृहस्पति को देखेंगे एक दो तीन उस समय बृहस्पति को भी पहले नहीं पहले तो एक दो तीन यहाँ दृष्टि पड़ेगी तीसरी दृष्टि में बाद में मीन राशि पर और बृहस्पति भी देखिए बकरी है तो बृहस्पति भी ये इफेक्टिवली यहाँ होंगे इनकी दृष्टि बकरी बृहस्पति का मतलब यहाँ ही बृहस्पति बैठे हुए हैं तो यहाँ से एक दो तीन और शनि जब शनि बकरी होंगे तो ये मान लो शनि यहाँ पर है जब बकरी है तो शनि की दृष्टि बृहस्पति पड़ेगी एक दो तीन ऐसा हो सकता है और तो छठे भाव को बल मिलेगा और बृहस्पति यहाँ से देखिए विदेश भाव को देखेंगे थोड़ा खर्चा कराएंगे बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है खर्चीला भाव
तो शुरू के टाइम में यानी 16 नवंबर से पहले पहले 15 अक्टूबर से 16 नवंबर तक जब मंगल जो है यहाँ पर है और मंगल की दशा यहाँ पर रही है बृहस्पति पर, तो मंगल जो है सप्तम में भाव में बृहस्पति को दे रहे हैं। मंगल गुरु, मंगल देखिए सेनापति और बृहस्पति गुरु, तो सेनापति गुरु के चरणों में जितना सेवा हो सकती है देंगे तो दाम्पत्य जीवन में सुख पहुंचाएंगे। बशर्ते आपकी बोली में करवाट न आए, मीठा बोले आप और बृहस्पति यहाँ बैठ करके लग्न को देखेंगे तो जातक को धार्मिक बनाएंगे। मोर धार्मिक क्रियाएं और जातक बड़ा एक्टिव रहेगा, अच्छा सोचेगा, अच्छा कमाएगा। तो मंगल देखिए यहाँ से जो है 1, 2, 3, 4 मकर राशि में जो शनि का इफेक्ट है तो यहाँ देखेंगे और यहाँ पर शस्त्र महापुरुष राजयोग बनता है। उसके बाद जब फिर मंगल जब यहाँ आ जाएंगे अगले मतलब यहाँ से छोड़कर 16 नवंबर से 24 नवंबर तक, तो यहाँ से फिर 1, 2, 3, 4 उस समय शनि भी मार्गी हो चुके होंगे तो शनि का इफेक्ट यहाँ कम हो जाएगा, शनि नहीं होंगे तो मंगल की यहाँ से दृष्टि शनि पर पड़ेगी। जब आखिरी 2 चरणों में जब शनि आ जाएंगे और धनिष्ठा नक्षत्र कुंभ राशि में, तो उससे बस थोड़ा टाइम है, 1 हफ्ता ही है, 16 से 24 पहला का महीना पूरा तो यहाँ पर ही है। यहाँ जब आएगा मंगल यहाँ पर है, जब यहाँ आएगा तो लास्ट का हफ्ता तो मंगल तो शनि भी यहाँ आ जाएगी, तब पंचम भाव में 1, 2, 3, 4 मंगल की दृष्टि पड़ेगी। तो पंचम भाव में संतान को लाभ मिलेगा, संतान को तरक्की मिलेगी, संतान को जॉब में तरक्की मिल सकती है, संतान के शिक्षा में अच्छे अंक से पास हो सकते हैं। आखिरी टाइम में यानी सप्ताह आखिरी टाइम ही 16 नवंबर से 24 नवंबर उस समय मंगल यहाँ आ जाएंगे, पर उससे पहले मंगल 1 महीने यहीं रहेंगे। उस समय जो है धनिष्ठा नक्षत्र मकर राशि में रहेगा तो यहाँ से 1, 2, 3, 4 शनि इफेक्टिवली शनि आ जाएंगे, इफेक्टिवली बृहस्पति आ जाएंगे क्योंकि बकरी बृहस्पति बकरी है। तो भाई ये जो है तुला राशि के लिए भी यानी मंगल शनि का दृष्टि दशम भाव पे नौकरी में व्यापार में तरक्की, मंगल की दृष्टि जो है बृहस्पति पर, बृहस्पति बकरी है यहाँ से विद्युत भाव को, शनि पर जो है जब यहाँ आ गए तो दृष्टि मंगल की, शनि जब यहाँ रहे इफेक्टिवली तो दृष्टि यहाँ पर, तो धनिष्ठा नक्षत्र इस तरह से शनि इफेक्टिवली 4थे भाव में 5वें भाव में होंगे। तो 4थे भाव में जो है मकर राशि जब रहेगी बकरी शनि का असर रहेगा तो 4थे भाव से सारे सुख गाड़ी बंगला और खेती की जमीन वैसी जमीन सब कुछ मिलेगा जो चाहोगे खरीद लोगे, और 10वें भाव में दृष्टि पड़ेगी इस तरह से इफेक्ट पड़ेगा शनि का, तो 10वें भाव से भी जो है नौकरी में तरक्की है, नौकरी से जो पैसा मिलेगा अच्छा मिलेगा, व्यापार करते हैं तो व्यापार से स्वयं का व्यवसाय है तो उसमें बहुत अच्छा पैसा मिलेगा। और चूंकि यहाँ पर बृहस्पति बैठे हुए हैं तो यहाँ पार्टनर्स का जो व्यवसाय है बिजनेस है वो सब बहुत तरक्की करेगा, बृहस्पति की वजह से दिन दूना रात चौगुनी तरक्की होगी। तो तुला राशि वालों के लिए शनि की राशि है मशहूर, शनि का मतलब खूब प्रिय राशि है, और शनि की राशि मंगल जब यहाँ बैठे हुए शनि की राशि में और मंगल के नक्षत्र में शनि है तो दोनों का आपस में संयोग धनाधन धन की बारिश होगी, क्योंकि मंगल भी यहाँ धन के भाव में आएंगे तो धन की बारिश होगी, उस समय शनि यहाँ होंगे और यहाँ से लाभ भाव में दृष्टि पड़ेगी तो धन की बारिश होगी। मंगल के नक्षत्र में शनि की दृष्टि लाभ भाव में, मंगल की दृष्टि मंगल खुद धन भाव में, तो तुला राशि को भी भाई बहुत बढ़िया जबरदस्त धन की बारिश होगी, खूब अच्छा लाभ मिलेगा भाई। तो ये टाइम जो है नक्षत्र की वजह से धनिष्ठा नक्षत्र की वजह से अच्छा खासा लाभदायक है, धनदायक है। अब किसी को कम मिलेगा जिस भाव से है, किसी को ज़्यादा मिलेगा। तो अब देखिए 7 के बाद आ गई 8वीं राशि यानी आ गई वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि में उस समय जो है देखिए 7वीं राशि यहाँ होगी तुला, यहाँ मंगल होंगे
और यहाँ भी मंगल आएंगे बाद में 16 नवंबर को, और यहाँ बाकी पहले और देखिए 9-10 मकर। देखिए 11 यहाँ पर कुंभ राशि और यहाँ शनि होंगे, 12 और देखिए 1 यहाँ बृहस्पति और राहु भी है मेष राशि, और राहु तो अब बेकार है। तो ये वृश्चिक राशि के लिए, वृश्चिक राशि खुद मंगल की राशि है, मंगल देखिए वृश्चिक राशि के लिए शनि कुंभ राशि में बैठे हुए कहाँ पर चौथे भाव में, और शनि की राशि मकर जब धनेश्वर नक्षत्र में आधो चरण में यहाँ होगा तो मकर राशि तीसरे भाव में होगी, और बकरी शनि जब होंगे तो शनि का बल जो है मकर राशि में, यानी ये मान लीजिए शनि यहाँ बैठे हुए हैं, और जब शनि जो है बकरी नहीं रहे यानी 4 नवंबर के बाद 5 नवंबर से, तो फिर शनि का इफेक्ट इस पर कम पड़ेगा और शनि यहीं हो जाएगी कुंभ राशि में, तो आगे मतलब सारा इफेक्ट जो है मार्गी शनि का यहाँ आ जाएगा। और जैसे बृहस्पति भी देखिए बकरी है तो बृहस्पति का भी असर यहाँ रहेगा, बृहस्पति तो 31 दिसंबर तक बकरी रहेंगे, तो बृहस्पति यहाँ ये मान लो बृहस्पति यहाँ बैठे हुए हैं, तो बृहस्पति की हम चर्चा नहीं कर रहे लेकिन यह है कि दृष्टि पड़ती है। और देखिए तुला राशि 12वें भाव में मंगल यहाँ पर होंगे शुरू में 16 नवंबर से पहले मंगल यहाँ, यानी 15 अक्टूबर से 16 नवंबर पर ये मान लीजिए। तो अब मंगल जो है 12वें भाव में तुला राशि में बकरी शनि का असर ज्यादातर यहाँ पर, और ये कुंभ राशि बकरी शनि का असर यहाँ पर मकर राशि में 1, 2, 3, 4 मंगल की दृष्टि विदेश भाव से, और फिर जब 16 नवंबर को मंगल यहाँ आ जाएंगे तो यहाँ से फिर 1, 2, 3, 4 यहाँ दृष्टि पड़ेगी, और यहाँ से दृष्टि यहाँ पड़ेगी सामने, उसको तो हम नहीं मानते जो, लेकिन ये है कि मंगल की जो राशि एक ये है मेष, और मंगल जब यहाँ है यानी 16 नवंबर से पहले पहले तब यहाँ दृष्टि पड़ेगी, बृहस्पति की दृष्टि मंगल पर, मंगल की बृहस्पति पर, तो बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पड़ने से 12वें भाव से मंगल तुला राशि में होने से विदेश से तो बहुत लाभ मिलेगा ही मिलेगा, विदेश भूमि से लाभ मिलेगा, विदेश में भूमि का क्रय विक्रय भी कर सकते हैं, मकान का भी कर सकते हैं, और ये भी मैं तो समझता हूँ तुला राशि वहाँ है और शरीर की कृपा मिल रही है राशि को, तो वहाँ बस भी सकते हैं, घर भी बसा सकते हैं। तुला राशि शनि की प्रिय राशि है, और शनि यहाँ बैठ करके सच महापुरुष अरे चौथे भाव में तो सारे सुख साधन गाड़ी बंगला मकान जो है जमीन ज्यादा सब दे रहे हैं, और यहाँ से देखिए दृष्टि पड़ेगी दशम भाव पर, तो दशम भाव के अब जो धनेश्वर नक्षत्र में है तो दशम भाव के नौकरी में व्यापार में धन तो देंगे देंगे, तो चूंकि शनि जो है अच्छे उच्च के बैठे हैं राशि में और धनेश्वर नक्षत्र में महाधनी योग में आ गए हैं, तो जहाँ जहाँ बैठेंगे जिस जिस राशि को धन तो देंगे देंगे, और चूंकि मंगल भी साथ है तो मंगल की कुछ भाव में दृष्टि पड़ेगी तो उसके फल देंगे, तो अब क्या ही हो गए देखिए मंगल की, मंगल का यहाँ बैठना है मंगल का यहाँ बैठना है दो, अब मंगल की चौथी आठवीं सातवीं दृष्टियाँ, और देखिए शनि का भी यहाँ एक दो राशियाँ, और शनि की भी तीसरी सातवीं और दसवीं दृष्टियाँ, तो सारे ग्रहों का असर जहाँ जहाँ आप देखेंगे पड़ रहा है, तो धन धनिष्ठा नक्षत्र के शनि, बकरी शनि, उच्च के शनि, भाई पैसा तो मिलेगा मिलेगा, यानी वृश्चिक राशि जो कि मंगल की राशि है 16 नवंबर से मंगल खुद यहाँ आ जाएंगे, और उस समय जो है धनेश्वर नक्षत्र कुंभ राशि में होगा, यहाँ पर शनि यहाँ होंगे शस महापुरुष राजयोग करके, और मंगल का 1, 2, 3, 4 दृष्टि पड़ेगी यहाँ पर, मंगल की यहाँ से दृष्टि और यहाँ शस महापुरुष राजयोग है, जब मार्गी हो गए तो इनका शनि का असर यहाँ बिल्कुल नहीं होगा, यहीं पर रहेगा यही भाव, तो यहाँ पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है,
तो ये सतमहापुर राजयोग बनना है, तो यहाँ से धनिष्ठा नक्षत्र की वजह से चौथे भाव के सारे सुख और दसम भाव के तरक्की, व्यापार में, नौकरी में, सब जगह पैसे पैसा, ये विशेष महाधनी योग बनता है। सत महापुर राजयोग बना करके विशेष धन मिलेगा, विशेष सुख मिलेगा। और उस समय 16 नवंबर से 24 नवंबर तक मंगल भी होंगे, तो ये टाइम आखिरी टाइम जब शनि बकरी हो जाएंगे और धनिष्ठा नक्षत्र का आखिरी टाइम होगा, यानी 16 नवंबर से 24 नवंबर तक, उस समय तो बहुत ही विशेष लाभ मिलेगा वृक्ष राशि। उससे पहले पहले यहाँ मंगल होंगे, तो ये विदेश भाव है, तो विदेश भूमि से लाभ मिल सकता है। और देखिए शनि का असर यहाँ होगा तब भी मंगल का या चौथी दृष्टि पड़ेगी, और यहाँ से भी यहाँ पड़ेगी 4, 5, 6, 7, 8। अब आगे के मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ, केवल तो चर्चा केवल मंगल की और शनि की कर रहा हूँ, धनेश्वर नक्षत्र की। और ये तो बृहस्पति पशुओं के मेष राशि में बैठे हुए, इसलिए आ गए कि मंगल की एक राशि यहाँ पर है, मंगल की दृष्टि यहाँ पड़ रही है उनके ऊपर। यहाँ बृहस्पति भी बैठे हुए हैं जो कि देव गुरु हैं, इसलिए चर्चा कर रहा हूँ कि क्षत्रिय और बारहवें का संबंध भी बन रहा है। बाढ़ में से विदेश से लाभ मिल रहा है, और छठे से बीमारियां से रोग होने से मुक्ति मिल रही है, शत्रु से मंगल की दृष्टि पड़ रही है तो शत्रु भाग रहे हैं। तो ये वृश्चिक राशि वालों को भी तो बहुत बढ़िया जबरदस्त योग बन रहा है। वृश्चिक राशि वालों को मंगल का सत महापुरुष राजयोग बना करके और यहाँ बैठ जाना शुभ भाव में बहुत जबरदस्त हो जा रहा है। अब देखिए वृश्चिक के बाद आएगी नवी राशि, नवी राशि है धनु, और यहाँ 10 मकर। देखिए 11वीं राशि आई यहाँ पर कुंभ, और यहाँ पर 12वीं राशि, और देखिए यहाँ पर आई मेष राशि, यहाँ पर बृहस्पति बैठे हुए हैं, और ये मंगल की राशि है तो मंगल ने लिख दिया। अच्छा अभी आप और देखिए धनु हो गई, और यहाँ पर देखिए तुला 7, यहाँ मंगल रहेंगे एक महीने शुरू में, 8 वृश्चिक में आ जाएंगे बाद में, 16 नवंबर को आखिरी हफ्ते में 16 नवंबर से यहाँ आ जाएंगे मंगल, उसके पहले यहाँ रहेंगे 3 अक्टूबर से लेकर के 16 नवंबर तक। पर हम तो 15 अक्टूबर की बात कर रहे हैं, तो 15 अक्टूबर से 16 नवंबर एक महीना मंगल रहेंगे तुला राशि में। कहाँ पर? लाभ भाव में। और लाभ भाव में देखिए शनि या मंगल की दृष्टि 1, 2, 3, 4 मगर धन भाव पर पड़ेगी। बकरी शनि है तो बकरी शनि का जो है यहाँ इफेक्ट रहेगा, शनि जैसे यहाँ बैठे हो तो चौथी दृष्टि मंगल की, मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में है, मंगल अपने नक्षत्र को देख रहे हैं। धन भाव से धन, लाभ भाव से धन, भाई धनु राशि तो सबसे अच्छी लग रही है मुझे इस समय, धनाधन, यहाँ से धन की बारिश, यहाँ की धन की बारिश। और देखिए जब मंगल जब यहाँ आ जाएंगे 16 नवंबर से लेकर के आखिरी 24 नवंबर तक, तो यहाँ से 1, 2, 3, 4 कुंभ राशि में शनि यहाँ होंगे, तो यहाँ पर शनि बैठे होंगे, यहाँ तो मार की शनि हो गई, अब तो यहाँ असर बिल्कुल नहीं रहेगा, सारा शनि का इफेक्ट नहीं आ जाएगा पराक्रम भाव पर। तो पराक्रम के शनि परिश्रम कराएंगे, मेहनत कराएंगे जातक से, और यहाँ से 1, 2, 3, 4 मंगल की दृष्टि पड़ेगी। मंगल विदेश भाव से पराक्रम भाव को देखेंगे, परिश्रम करोगे तो लाभ मिलेगा और विदेश से भी लाभ मिलेगा 16 नवंबर के बाद। और देखिए यहाँ बृहस्पति की राशि है, बृहस्पति बैठे हुए मंगल की राशि है मेष में, और बकरी बृहस्पति है तो थोड़ा असर यहाँ रहेगा, क्योंकि ये मान लो कि बृहस्पति मीन राशि में आ गया यहाँ पर, जो धनु राशि बृहस्पति की राशि है तो बृहस्पति भी मतलब यहाँ इफेक्टिव रहेंगे, क्योंकि मंगल की राशि है ना, मंगल का दृष्टि पड़ रही है यहाँ से यहाँ पर। मंगल शुभ है
16 नवंबर से पहले पहले पूरा महीना यही रहेंगे ना, तो यहाँ से मंगल पूरा महीना अपने बृहस्पति को देखेंगे पंचम भाव में अपनी राशि को, क्यों राशि मेष राशि अच्छी बैठ रही है पंचम में, मंगल की दृष्टि भी पा रही है, तो मेष राशि यहाँ बैठ करके अच्छा सुख, संतान को सुख, नौकरी में सुख, एजुकेशन में सुख, प्रेम प्रसंग में लाभ, सब कुछ बढ़िया मिल रहा है, क्योंकि बृहस्पति बैठे हुए हैं यहाँ पर। यहाँ तो कोई जातक का प्रेम प्रसंग चल रहा है तो सफलता मिलेगी, प्रेमी लौट के आ गया चला गया रूठ के तो आ जाएगा, और प्रेम विवाह तक का प्रपोजल आ सकता है, क्या बृहस्पति कौन जा बैठे हुए विवाह कारक है बृहस्पति, शुक्र और बृहस्पति दो होते हैं विवाह कारक संतान कारक, तो बृहस्पति जो है यहाँ पर मंगल की राशि में और मंगल की दृष्टि में है, और मंगल यहाँ से एक दो तीन चार मकर राशि को धन भाव को देखना है, धनिष्ठ नक्षत्र मकर राशि में है धनिष्ठ नक्षत्र, तो अपने नक्षत्र को और शनि का बकरी होने से यहाँ जगह यहाँ पर शनि का सा, तो शुरू का टाइम देखिए तो शुरू का महीना मंगल धन दे रहे हैं लाभ भाव से, मकर राशि में शनि धन दे रहे हैं धन भाव से, और बृहस्पति देखिए अपने यहाँ से मंगल की दृष्टि में है और बृहस्पति की दृष्टि मंगल पर है, तो लाभ ही लाभ मिल रहा है, लाभ का मतलब धन होता है, तो धनु राशि तो बृहस्पति की राशि है, याद देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है नवी दृष्टि धनु राशि पर, और बृहस्पति की पर दृष्टि पड़ रही है मंगल की, तो ये सब कनेक्शन हो गया, मंगल सप्तम दृष्टि में बृहस्पति और ये धनु राशि बृहस्पति की राशि, तो एक तरह से लग्न पर भी दृष्टि पड़ रही है, तो जातक की लग्न का मतलब जातक शरीर से आत्मा से सोच से बड़ा धार्मिक होगा, धार्मिक प्रवृत्ति का होगा, धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेगा, और मंगल से ताकत पाए हुए मेष राशि जिसमें बृहस्पति बैठे हुए हैं वो जातक को धनु राशि वालों को विशेष लाभ देंगे, और शनि की मकर राशि और जब कुंभ राशि में बिल्कुल मार्गी हो गए तो पराक्रम भाव से, क्योंकि ये तीसरा भाव कारक भाव शनि जो है यहाँ बैठ करके बड़ा, और शनि अपनी राशि में है तो बहुत बढ़िया परिश्रम कराएंगे जातक से, और जातक जितना परिश्रम करेगा ईमानदारी से काम करेगा उतना ही ज़्यादा लाभ मिलेगा, बहुत ज़बरदस्त लाभ मिलेगा, तो ये धनु राशि के लिए बहुत बढ़िया धन का पीरियड, धन मिलेगा लाभ मिलेगा सुख मिलेगा सब कुछ मिलेगा भाई। अब देखता हूँ देखिए दसवीं राशि आ गई, दसवीं राशि का मतलब मकर राशि, मकर राशि के लिए देखिए ये 11 शनि यहाँ आ गए कुंभ राशि, देखिए 12 ये है एक यहाँ पर बृहस्पति है मेष राशि है, और देखिए 12 एक 11 12 एक दो तीन चार पाँच छ सॉरी 10 और यहाँ पर 9 9 8 वृश्चिक मंगल यहाँ आएंगे लास्ट टाइम में 16 तारीख को 7 तुला मंगल यहाँ रहेंगे, तो देखिए ये मकर राशि के लिए देखिए देखिए दसवीं राशि है यहाँ धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा शुरू में, और बकरी शनि है तो जब तक बकरी है तो शनि का असर यहीं रहेगा, जैसे कि मान लो कि शनि यहीं बैठे हुए हैं, बकरी ग्रह अपनी पिछली राशि को बहुत सपोर्ट करता है, अगर धीमे चलता है तो बैक राशि के पास होता है अगली राशि से बहुत दूर होता है, तो उसका इफेक्ट इफेक्टिवली शनि या बृहस्पति जो भी है वो अपने पिछले राशि को, जैसे बृहस्पति यहाँ है तो इसको मीन राशि को इफेक्ट करेंगे, मानो बृहस्पति यहीं बैठे हुए हैं, तो देखिए मंगल शुरू के टाइम में 16 नवंबर से पहले पहले तुला राशि में बैठे होंगे यहाँ पर कहाँ पर दसवें भाव में, और मंगल का धनिष्ठा नक्षत्र में शनि का इफेक्टिवली मकर राशि में यहाँ पर
एक दो तीन चार मकर अपने धनिष्ठा नक्षत्र को यानी शनि को देख रहे हैं मकर राशि को, जो कि मकर राशि धनिष्ठा नक्षत्र में है। धनिष्ठा का मतलब महाधनी योग, तो केंद्र में शनि जाता है फैक्टर भी है तो सत महापुरुष राजयोग बनता है और तुला राशि के मंगल यहाँ सपोर्ट करते हैं। सुख नौकरी के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, कर्म क्षेत्र यानी काम के स्थान में मंगल शिव में बैठे हुए हैं तो और मंगल की दृष्टि देखिए अपनी राशि में प्रभाव है चौथे में, तो ऐसे मंगल चौथी दृष्टि एक दो तीन चौथी दृष्टि सातवीं दृष्टि आठवीं दृष्टि यहाँ, तो भाई चौथी दृष्टि जो है लगन पर यहाँ विषमी है और सातवीं दृष्टि यहाँ मेघ राशि अपने मंगल की राशि पर, तो लगन को बलवान, लगन को अच्छा और चौथे भाव में सुख साधनों की वृद्धि मंगल करा रहे हैं और शनि धनिष्ठा नक्षत्र में है, फिर शनि धन भाव में आ जाएंगे जब बकरी शनि नहीं रहेंगे मार्गी हो जाएंगे यानी 5 नवंबर के बाद से, 5 नवंबर से 24 नवंबर तक बाकी टाइम है तो शनि मार्गी हो जाएंगे, तो शनि का इफेक्ट यहाँ कम हो जाएगा तो धन भाव में शनि रहेंगे और उस समय जो है 2-4 दिन पहले यानी 16 तारीख को मंगल भी यहाँ आ जाएंगे, तो मंगल यहाँ से चौथी दृष्टि से फिर शनि को देखे धन भाव को, तो मंगल यहाँ बैठ करके अपने लाभ भाव से धन देंगे लाभ और धन भाव में दृष्टि बनाइए, शनि भी बैठे हुए धनिष्ठा नक्षत्र में तो यहाँ से भी लाभ, तो भाई मकर राशि को भी डबल लाभ मिलेगा यानी लाभ भाव से धन और धन भाव से धन कुंभ राशि में शनि दे रहे हैं तो डबल लाभ मकर राशि वालों को तो धन का डबल लाभ मिल रहा है भाई। और मंगल यहाँ पे है तो कर्म क्षेत्र में नौकरी में परिवर्तन, नौकरी में तरक्की, व्यापार में लाभ और सुख साधनों पर मंगल की राशि है तो यहाँ मंगल की दृष्टि है तो सुख साधनों में भी कोई दिक्कत नहीं है, मकान कोठी बंगला गाड़ी सब मिल रहा है। तो मैं समझता हूँ मकर राशि के लिए भी ये टाइम जो है काफी अच्छा है क्योंकि डबल डबल धन मिल रहा है यहाँ से मंगल से और यहाँ मंगल की दृष्टि से और धनिष्ठा नक्षत्र के कुंभ राशि के शनि से धन भाव में बैठने की शुरू का एक काम, शनि शुरू काम देते हैं लेकिन धन तो मिलेगा ही मिलेगा, लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा भाई। तो ये रहा मकर राशि का और देखिए अगली राशि आती है कुंभ राशि, तो अब ये कुंभ राशि यहाँ आ गई यानी 11वां शनि यहाँ आ गए, तो कुंभ राशि के लिए दसवीं राशि मकर यहाँ आ गई, 9, 8 वृश्चिक, मंगल यहाँ आएंगे 16 नवंबर को और 7 तुला राशि में मंगल रहेंगे धन भाव है तो नवा भाव और 11 देखिए 12 ही 12 एक मेष यहाँ बृहस्पति है और मंगल है, मंगल की राशि है, मतलब मंगल नहीं है राशि है मंगल की, एक मंगल की राशि भी है यहाँ, मंगल तो बैठेंगे भी और ये मंगल की राशि भी है, राशि भी है। तो कुंभ राशि के लिए शनि बकरी शनि शस महापुरुष राजयोग बना रहे हैं और बकरी शनि जो है मकर राशि को भी बल देंगे बहुत टाइम तक, जब मार्गी हो जाएंगे तब तो वहाँ सब नहीं रहेगा यहाँ रहेगा, तो अभी तो धनिष्ठा नक्षत्र के शनि का इफेक्टिवली बारहवें भाव में और मंगल तुला राशि में, यहाँ पर मंगल का धनिष्ठा नक्षत्र 1, 2, 3, 4 शनि यहाँ पर है, बारहवें से भाग्य भाव में शनि बैठ करके भाग भाव में मंगल बैठ करके तुला राशि में शनि की प्रिय राशि में भाग्य वर्धन करेंगे, भाग्य बढ़ेगा तो पैसा आएगा, कुंभ राशि के लिए भाग्य वर्धन होगा, भाग्य के बस में नौकरी में तरक्की होगी, नौकरी में पैसा मिलेगा, व्यापार में पैसा मिलेगा, पर यहाँ से अभी तो मंगल चौथी दृष्टि से विदेश को देख रहे हैं तो भाग्य बढ़ने से विदेश से लाभ मिलेगा, भाग्य बढ़ने से विदेश में नौकरी मिलेगी, भाग्य बढ़ने से विदेश व्यापार में तरक्की मिलेगी, मंगल की राशि है, मंगल यहाँ बैठे हुए हैं, मंगल की दृष्टि है,
तो भूमि भवन के कार्यों से अच्छा लाभ मिल सकता है। आप कोई कंस्ट्रक्शन काम कर सकते हैं, विदेश में कंपनी बना सकते हैं, विदेश में कंस्ट्रक्शन की भूमि भवन का काम कर सकते हैं और व्यापार कर सकते हैं। व्यापार मंगल व्यापार के कारक भी हैं, तो व्यापार भी। और देखिए मकर राशि यहाँ पर है, धनेश्वर नक्षत्र है और बकरी है, तो शनि का आसन यहाँ पड़ रहा है, तो बस मंगल की कृपा मिल रही है, शनि लाभ मिल रहा है, बहुत बढ़िया। और देखिए यहाँ से जो है ये भाग्य भाव में भाग्य बढ़ रहा है और मंगल अपनी राशि को देखिए, यहाँ ये मंगल की राशि है, बृहस्पति यहाँ बैठे हुए मेष, तो मंगल यहाँ से देख रहे हैं अपनी राशि को, तो तीसरे भाव से पराक्रम भाव से पराक्रम यानी परिश्रम कराएंगे तो लाभ मिलेगा। ज्यादा जितना परिश्रम करेगा उतना ही शनि की कृपा मिलेगी, पैसा मिलेगा, तनख्वाह बढ़ेगी और यात्राएं भी होंगी, दोस्तों से लाभ मिलेगा। तो चूंकि यहाँ पर मंगल की राशि है मेष, मंगल यहाँ बैठे हुए हैं, तो शुरू के टाइम में 16 नवंबर से पहले पहले मंगल यहाँ से, अब चूंकि मंगल का धनिष्ठा नक्षत्र यहाँ पर राशि है तो यहाँ भी बल, और जब मंगल यहाँ आ जाएंगे देखिए 16 नवंबर को वृश्चिक राशि में, तो यहाँ से फिर 1, 2, 3, 4 कुंभ राशि में शनि होंगे, मार्गी हो जाएंगे, मार्गी शनि का फिर यहाँ कोई असर नहीं है, तो मंगल का यहाँ असर आ जाएगा। तो फिर लग्न पर मंगल जातक बड़ा पराक्रमी परिश्रमी, शनि भी बैठे हुए हैं, मंगल की दृष्टि भी है, तो बीमारी रहित, स्वास्थ्य अच्छा, शरीर हृष्टपुष्ट, बड़ा एक्टिव, और मंगल की वजह से थोड़ा धार्मिक विचारधारा भी रहेगी, तो वही जातक हैं कुंभ राशि के जातक अच्छा खासा लाभ कमाएंगे, अच्छा खासा तो महापुरुष राजयोग बन रहे हैं। और देखिए यहाँ पर भी मैं चर्चा कर दूँ कि मीन राशि है और बृहस्पति जो है बकरी है, तो इनकी बल मिल रहा है, इनका मंगल का ही सहायता मिल रही है और बृहस्पति बकरी इस मीन राशि को सपोर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से भी धन आएगा, बृहस्पति की कृपा से भी धन आएगा, धन तो आगे आएगा, बृहस्पति की राशि यहाँ पर भी है। यहाँ से देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नवी राशि में ये राशि है, तो भाग्य जो लाभ भाव से धन आएगा, चूंकि मंगल की यहाँ ताकत मिल रही है, बृहस्पति यहाँ देख रहे हैं लाभ भाव से, तो लाभ का मतलब क्या होता है, पैसा, तो भाई ये तो बड़ा अच्छा। और बृहस्पति यहाँ राशि है, यहाँ बृहस्पति का असर, यहाँ बृहस्पति का असर, यहाँ बृहस्पति का असर, और मंगल के असर में बृहस्पति, और मंगल के अपने नक्षत्र को देख रहे हैं यहाँ मकर राशि, तो कितने भाव से देखिए, विदेश भाव से लाभ, लाभ भाव से लाभ, धन भाव से धन, तृतीय भाव से पराक्रम परिश्रम से लाभ, और लाभ भाग्य भाव में खुद मंगल बैठे हुए भाग्य बढ़ता, तो वही कुंभ राशि का। और जब यहाँ आ जाएंगे 16 नवंबर को मंगल अपनी राशि में आ जाएंगे, तो यहाँ से फिर दशम भाव ये अपना कार्य क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र, यहाँ तरक्की मिलेगी और यहाँ से मंगल की दृष्टि पड़ेगी अपने यहाँ पर, ये क्या है दो, तो यहाँ पर दृष्टि पड़ेगी जब, तो सुख भाव में यानी सुख साधनों की वृद्धि, गाड़ी बंगला भूमि भवन सब कुछ मिलेगा मंगल यहाँ से बैठ करके वृश्चिक राशि में 16 तारीख से, और बाकी टाइम जो है जब हम चर्चा कर रहे हैं 24 नवंबर तक की। पर धनिष्ठा नक्षत्र की हम तो अभी बात कर रहे हैं, इसलिए इधर को हम नहीं देखते, हम तो धनिष्ठा नक्षत्र को मतलब यहाँ देखते हैं, मंगल का शनि का साथ जो है 1, 2, 3, 4 लग्न पर राशि पड़ रही है, बाकी टाइम जो बात का 16 से 24 तक का टाइम है, तो मंगल यहाँ बैठ करके तो सुख साधन में दृष्टि देंगे, सुख बढ़ाएंगे साधन, यहाँ पर व्यापार में तरक्की देंगे, नौकरी में तरक्की देंगे, लेकिन लग्न पर भी शनि को देख रहे हैं, जब शनि धनिष्ठा नक्षत्र में है, अति धनी योग में है, सत महापुरुष राजयोग बना रखा है, तो शनि भी मंगल की दृष्टि से विशेष लाभ देंगे, सत महापुरुष तो यानी सब कुछ कृपा मिलेगी, कुंभ राशि के जातकों को धन मिलेगा, सुख मिलेगा, व्यापार में तरक्की मिलेगी, संतान को तरक्की मिलेगी। तो ये रहा देखिए कुंभ राशि पर जो असर। अब देखिए मैं अब आखिरी राशि की चर्चा करूंगा, आखिरी राशि में क्या लाभ मिलेगा, क्या होगा, देखिए आखिरी राशि रह गई है वो भी बृहस्पति की राशि है, तो उसकी चर्चा और कर लेते हैं। देखिए अभी तक तो मैंने देखा यह है कि शनि या मंगल का सब की सब राशि में अच्छा लाभ मिल रहा है। ये 12वीं राशि है मीन, और देखिए 12वीं राशि मीन है और
ग्यारह बारह एक, यहाँ पे एक में मेष राशि है, यहाँ बृहस्पति बैठे हुए हैं और बृहस्पति बकरी है तो इस पर असर पड़ रहा है, और यहाँ पे ग्यारह में शनि है और यहाँ दस में मकर है, शनि बकरी है तो इसका असर यहाँ पड़ रहा है। शनि कैसे यहीं पर है और ये बृहस्पति कैसे यहीं पर है, जब बकरी है दस और नौ आठ का मतलब मंगल की राशि वृश्चिक राशि है, यानी वृश्चिक राशि जो है यानी मंगल यहाँ होंगे सोलह तारीख, ये सात तुला राशि यहाँ पर भी मंगल होंगे। तो भाई मीन राशि के लिए अब मैं देखता हूँ कि मंगल का और शनि का क्या संबंध रहा। मंगल जब यहाँ पर है, यहाँ तो सोलह नंबर में आएंगे, इससे पहले मंगल सप्तम में है, लेकिन ये भाव ज़्यादा अच्छा नहीं है। मंगल यहाँ बैठ करके आपको चोट चपेट लगा सकते हैं, आपका दुर्घटना करा सकते हैं, और मंगल यहाँ पर देखिए ये आठवें भाव है, थोड़ा सा आपको गुप्त धन शेयर मार्केट और लॉटरी से लाभ तो दिला सकते हैं, आपको तंत्र मंत्र विद्या से ज्योतिष से लाभ दिला सकते हैं, लेकिन अष्टम में थोड़ा आपको चौकन्न रहना पड़ेगा, दुर्घटना ना हो जाए, शरीर को चोट ना हो जाए। और यहाँ से मंगल एक दो तीन चार जब बकरी शनि यहाँ देख रहे हैं धन भाव को, सॉरी लाभ भाव को, तो लाभ भाव में मंगल पर मंगल चूंकि यहाँ बहुत अच्छे रही हैं, लेकिन धनिष्ठा नक्षत्र में मकर राशि तो यहाँ है तो उस तरह से नक्षत्र तो अच्छा है, इसलिए मंगल की दृष्टि तो लाभ देगी। मंगल यहाँ बैठ कर लाभ न दें, लेकिन मंगल की दृष्टि चौथी दृष्टि तो कुंभ राशि को सॉरी मीन राशि को ग्यारहवें भाव में लाभ भाव में धन तो मिलेगा ही मिलेगा, जब 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 तक शनि बकरी है, और जब शनि मार्गी हो गए यहाँ असर कम हो गया और उस समय फिर ये मंगल यहाँ आ जाएंगे तब भाग्य वर्धन कर देंगे, मंगल भाग्य बढ़ेगा और अपनी राशि में मंगल बैठे हुए हैं उच्च के हो गए मंगल तो भाग्य बढ़ के भाग्य बढ़ेगा तो भाग्य बढ़ने से धन आएगा। पर उस समय शनि जो है बारहवें भाव में मार्गी हो चुके होंगे तो फिर धन का खर्चा बारहवें भाव से तो थोड़ा सा बीमारी का हॉस्पिटल का खर्चा हो सकता है, विदेश में खर्चा हो सकता है, आप विदेश जाएंगे विदेश जाने में खर्चा हो सकता है। तो ये मंगल का देखिए ये टाइम 16 नवंबर से 24 नवंबर तक का यहाँ पर दृष्टि पड़ेगी बारहवें भाव से, तो विदेश से खर्चा होगा, विदेश जाने का खर्चा होगा, विदेश से लाभ भी हो सकता है, यानी धन भी मिलेगा और धन का खर्चा भी होगा। और ये बारहवें मीन राशि है बृहस्पति की है, बृहस्पति यहाँ बैठकर इसको भी बकरी है तो असर दे रहे हैं और बृहस्पति यहाँ नवी दृष्टि से देख रहे हैं, तो हम बृहस्पति की चर्चा तो नहीं कर रहे, लेकिन हाँ चूँकि यहाँ पर जो है मंगल की राशि है ये इसे चर्चा कर रहे हैं, यहाँ से मंगल जो है यहाँ देखेंगे तो अष्टम भाव से मंगल की दृष्टि पड़ेगी धन भाव पर, यहाँ पर बृहस्पति बैठे हुए हैं मंगल की राशि है और धनिष्ठा नक्षत्र इनका मंगल का जो है शनि है, तो ये मंगल की दृष्टि तो धन भाव पर बृहस्पति पर धन तो देगी देगी, तो मंगल की जो धन दृष्टि यहाँ से और मंगल यहाँ से यहाँ पर चौथी दृष्टि धन भाव से धन देगी। तो मीन राशि को भी भाई अब बाहर में भाव से भी देखिए यहाँ से एक दो तीन चार दृष्टि से पड़ेगी 16 नवंबर से यहाँ पर तो भी विदेश से लाभ मिलेगा, पर उतना ज़्यादा लाभ नहीं मिल रहा, हाँ मिलेगा फिर भी क्यों बृहस्पति धन भाव में है तो मिलेगा तो सही, पर मैं समझता हूँ मीन राशि के लिए और राशियों के मुकाबले में उतना ज़्यादा लाभ नहीं मिल पा रहा है शनि का और मंगल का, क्यों शनि जो है यहाँ तो है जब तक लाभ भाव में लाभ तो देंगे ही देंगे, यहाँ जब लाभ भाव में है तब मंगल यहाँ पर है, मंगल हम यहाँ पर आ जाएंगे तो उससे थोड़ा पहले शनि फिर मार्गी हो जाएंगे तो फिर बाद में हम आ जाएंगे, तो बाद में हम थोड़ा खर्चा है हारी बीमारी भी अस्पताल का खर्चा और विदेश जाने का खर्चा, तो मीन राशि को भी लाभ तो मिल रहा है धन तो मिल रहा है, यहाँ से भी धन मिल रहा है, यहाँ से भाग्य बढ़ेगा 16 नवंबर से भाग्य बढ़ जाएगा क्योंकि मंगल अपनी राशि में आ जाएंगे वृश्चिक में, भाग्य वर्धन होगा और यह भाग्य वर्धन होकर के विदेश में दृष्टि पड़ेगी, तो भाग्य बढ़ करके विदेश से लाभ मिलेगा, यानी भाग्य बढ़ेगा तो
विदेश से लाभ, नौकरी, विदेश से व्यापार, विदेश से काम, अपना तरक्की तो मिलेगी लेकिन विदेश से मिलेगी और थोड़ा खर्चा भी होगा। तो मीन राशि को मैं समझता हूँ ये धनेश्वर नक्षत्र में मंगल का आना, यानी ये टाइम 15 अक्टूबर से 24 नवंबर तक, कुछ टाइम मंगल का तुला में रहना, कुछ टाइम बाकी आखिरी सप्ताह वृश्चिक में रहना, जो कि हाल भाग्य भाव में भाग्य तो बढ़ाएगा, तरक्की भी करेगा, अच्छा करेगा कुछ टाइम, पर जब यहाँ होंगे एक महीने तक ये ज़्यादा अच्छा नहीं होता। इसलिए ओवरऑल मैं कहूँगा मीन राशि वालों आपका बहुत अच्छा नहीं है। तो मित्रों अभी मैंने चर्चा की क्या कि धनिष्ठा नक्षत्र में मंगल का नक्षत्र है, शनि की राशियां हैं मकर और कुंभ, तो ये टाइम जो है यानी जब से 15 अक्टूबर से 24 नवंबर तक टोटल टाइम, और 5 नवंबर से शनि मार्ग जी भी हो जाएंगे, इसके पहले पहले मुक्ति देंगे, ये टाइम महाधनी योग है शनि के लिए। मंगल की सहायता से मंगल के नक्षत्र में धनिष्ठा नक्षत्र महाधनी नक्षत्र है, तो ये सारी राशियां ज्यादातर खूब धन पाएंगी, सुख पाएंगी, संतान को सुख मिलेगा, पैसा मिलेगा, नौकरी में तरक्की होगी, सब कुछ बढ़िया बढ़िया है, विदेश से लाभ मिलेगा, सब कुछ अच्छी अच्छा। तो ये मैं अभी यहाँ विराम लूँगा मित्रों, फिर आगे आऊँगा तो कुछ और चर्चा करूँगा। अभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, देखिए प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करें, और जाते जाते कमेंट में महागणेश नंबर लिखेंगे तो भगवान गणेश का आशीर्वाद जरूर मिलेगा मित्रों।